Vale, vamos, igual. Diga. Recuerda. ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल की साइड का है. ट्राई मैंने तीन, गोल मैंने साइड, मैट्रिक मैंने मापना. तीन साइड को लेकर ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई है. राइट एंगल ट्रायंगल की जो तीन साइड है और तीनों साइड का जो रेशियो होता है उसको लेकर ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई है. तो जो 90 डिग्री के सामने जो 90 डिग्री के सामने जो रहती है साइड, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज. हिंदी में बोलते हैं कर्ण. ये दोनों चीजें क्या होती हैं? बेस और परपेंडिकुलर. आधार आधार वलम जो थीटा बनता है, थीटा कोई भी थीटा बोला जाएगा तो थीटा हमेशा कर्ण और आधार के बीच में बनता है. इस बात का ध्यान रखेंगे. थीटा जो हमेशा जो थीटा बनेगा वो कर्ण और आधार के बीच में बनेगा. ठीक है. दो चीजें आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये चीज आपको पता है. या इसी का हिंदी वाला वर्जन होता था लाल कक्का. इसी का हिंदी वर्जन था लाल कक्का. आवाज ठीक आ रही है ना? एक बार मुझे हाँ या नाम एक बार बता देना कि हाँ चलो ठीक है. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा. इन दोस जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से भाग दे देंगे, ये कोई चीज नहीं है. आज तक आप जिंदगी में किसी से साइन थीटा से मिले हैं? नहीं जी, हमने तो नहीं देखा किसी साइन थीटा को. मतलब मैं यही बता रहा हूँ, ये रेशियो है, ये कंप्लीट मैथ का रूप है. तो हम क्या होता है, साइन थीटा सिर्फ परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो है. परपेंडिकुलर को जो हाइपोटेन्यूज से भाग देंगे उसको नाम दे दिया गया साइन थीटा. अगर बेस को हाइपोटेन्यूज से भाग देंगे तो उसको नाम दे दिया गया कोस थीटा. परपेंडिकुलर को अगर बेस से नाम देंगे, बेस से डिवाइड करेंगे तो इसको नाम दे दिया गया टेन थीटा. तो ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टेन थीटा है. साइन का उल्टा होता है साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा. साइन का उल्टा होता है वन अपॉन कोसेक थीटा. कोस का उल्टा होता है वन अपॉन सेकेंट थीटा. टेन का उल्टा होता है वन अपॉन कोस थीटा. जी दूसरे की रेसिप्रोकल है. छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, तो कभी सातवां आएगा ना कभी पांच है. कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये तीन, इनकी आइडेंटिटी होती है, फिर उन आइडेंटिटी के प्रूफ होते हैं. तीन इनकी आइडेंटिटी जो होती है, पहले मैं आपको थीटा की वैल्यू बता देता हूं, क्योंकि थीटा की जनरल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. जनरल वैल्यू जी 0 डिग्री, 30 डिग्री, अपन सारी वैल्यू पे काम करेंगे. 15 पे, 72 पर, 18 पर, सब 75 पर. लेकिन पहले हमको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होने चाहिए. ये स्टैंडर्ड रिजल्ट में इतनी वैल्यू होती है 0, 30, 45, 60 और 90. क्या होता है, ये साइन थीटा, ये कोस थीटा और ये होता है टेन थीटा. 0, 1, 2, 3 और 4. इसको अगर 4 से ही डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड, 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 इसका अंडर रूट अगर आपने निकाला तो आपको पता ही आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, यह आ जाएगा अंडर रूट 3/2 और यह आ जाएगा 1. कोस थीटा के लिए रिवर्स कर दो, पीछे वाली वैल्यू से आगे स्टार्ट कर दो. 1, अब ये वाली वैल्यू √3/2, अब ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0. अब आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि जो टेन थीटा होता है, ये आपको सब कुछ याद होना चाहिए. इसलिए मैं एक-एक बात को लिख रहा हूं. टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. इससे बेस से नहीं हो सकती. जो अपने को जितना बेसिक की जरूरत है उतना बेसिक सब कुछ बताऊंगा. तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन अपॉन कोस 0/1 तो 0 बनेगा. 1/√3/2 से 2 कट गया, ये 1/√3 बनेगा. ये √2 से √2 कट गया तो ये 1 बनेगा. 2 से 2 कट गया तो भैया मेरे ये अंडर रूट 3 बनेगा. और 1/0 तो ये नॉट डिफाइंड है, परिभाषित या इनफाइनाइट अपन बोलते हैं, नॉट डिफाइंड. 1/0 किसी भी नीचे के 0 इनफाइनाइट होता है. ठीक है, ये आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये आपको याद होनी चाहिए डायरेक्ट बेसिस पर कि साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए. अब आइडेंटिटीज है, बेसिक आइडेंटिटी, या आप एक समझे कह सकते हैं कि बेसिक फॉर्मूले. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अगर मैं दोनों तरफ साइन से भाग दे देता हूं, इसको भी साइन से भाग दे दिया, इसको भी साइन से भाग दे दिया, इसको भी साइन से भाग दे दिया, तो ये बनेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. और अगर मैं कोस से भाग देता हूं, कोस से, तो सेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये तीन आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए. इसके अलावा यहां पर एक बात और पता होनी चाहिए, जो चीज सी से स्टार्ट होती है, जैसे कोस थीटा, कोसेक थीटा और कोस थीटा,
when theta increases. Then value decreases. कहने का मतलब जब जब थीटा का मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगी. कैसे? जैसे देखो, जैसे बाकी सब में बढ़ता है, जो ये सी से स्टार्ट होने वाले ना, देखो ये स्टार्ट जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैल्यू घटती जा रही है. एक से कम हुआ कुछ, अब इससे भी कम हो गया, अब उससे भी कम हो गया, अंत में जीरो पे जाकर टिक गया. तो जैसे 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 डाउनफॉल है, तो ध्यान रखो कि जो भी सी से स्टार्ट हो रहा है ना, सी से स्टार्ट होने वाली हर चीज क्या होती है, सी से स्टार्ट होने वाली हर चीज आपको ये ध्यान रखना है कि सी से स्टार्ट होने वाली हर चीज थीटा की वैल्यू को जीरो, मतलब जीरो क्या, नेगेटिव, क्या नेगेटिव का मतलब ये मान के चलो डिक्रीज होती जाएगी थीटा की वैल्यू जब भी आपको देखनी होगी. ठीक है, अब देखो इनकी बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये तो आपको जनरल पता होना चाहिए. ठीक है, अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है पाइथागोरस थ्योरम. तो कुछ होते हैं पाइथागोरियन ट्रिप्लेट, पाइथागोरस ट्रिप्लेट. बेस ट्रिप्लेट होते हैं, ट्रिप्लेट पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर. जैसे अगर मैं मान लेता हूं एक तीन है, एक चार है, इससे अगला नंबर पांच बनेगा, मतलब जो जो सबसे बड़ा नंबर है वो हाइपोटेन्यूज होता है, वो कर्ण होता है. तो तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर इक्वल टू पांच का स्क्वायर. जैसे अगर मैं मान लेता हूं ये पांच है, ये बारह है, तो ये तेरह बनेगा. जैसे अगर मैं मान लेता हूं ये सात है, ये चौबीस है, तो ये पच्चीस बनेगा. जैसे ये आठ है, ये पंद्रह है, तो ये सत्रह बनेगा. यानी देखो आठ का स्क्वायर चौंसठ, 15 का स्क्वायर 225, तो 17 का स्क्वायर 289, तो 289 इक्वल टू 289 आ गया. क्लियर होगी बात? ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ 9 है, 40 है, 41 है, 11 है, 60 है, 61 है, 16 है, 63 है, 65 है, एक 12 है, 35 है, 37 है, 20 है, 21 है, 29 है, 28, 45, 53 है, 39, 80, 89, 39, 80 और 89. ये ट्रिप्लेट अभी में से जितने याद कर पाए आप याद कर लेना, बड़ा बढ़िया ट्रिप्लेट है. इसको बोलते हैं बेस ट्रिप्लेट, पाइथागोरस ट्रिप्लेट है, इसको बोलते हैं बेस ट्रिप्लेट. यानी आपस में कुछ कॉमन नहीं है, बेस ट्रिप्लेट आपस में कुछ कॉमन नहीं है, इनको बोलते हैं बेस ट्रिप्लेट. अब होते हैं ड्राइव्ड ट्रिप्लेट. ड्राइव ट्रिप्लेट कैसे होते हैं? जैसे आप ये मान के चलो बेस ट्रिप्लेट है तीन, चार और पांच. अब मैं इन्हीं की कर देता हूं दो दो की गुणा, ये छह, ये आठ और ये हो जाता है दस. यस, समझ गए? मतलब किसी बेस ट्रिप्लेट का किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना, इसको बोलते ड्राइव. मतलब इसको आगे बढ़ा देना, ड्राइव मतलब उसको आगे बढ़ा देना, मल्टीप्लाई कर देना साथ में कुछ. जैसे अगर मैं कुछ भी बोल दूं, आप ये मान के चलो बीस है, इक्कीस है, उनतीस है, तो जरूरी नहीं कि आपको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड भी कर सकते हैं. जैसे अगर मैं डिवाइड बाई टू कर देता हूं, तो ये दस, साढ़े दस, साढ़े चौदह. डिवाइडेड बाई टू का मतलब हो गया दस, साढ़े दस और साढ़े चौदह. जैसे अब आप ये बस सोचना सर दो ही है क्या? अरे भैया कुछ भी हो सकता है, किसी की भी मल्टीप्लाई हो सकती है. जैसे अगर आप ये मान के चलो सात, चौबीस, पच्चीस है, आप चार से भाग दे लो, सात बटा चार, छः, छः से एक बटा चार. मतलब कहने का ड्राइव्ड मतलब है कि आपस वो तो होता तो बेस ट्रिप्लेट ना, कोई फ्रैक्शन बनेगा ना आपस में कुछ कॉमन होगा, उसको बोलते हैं बेस ट्रिप्लेट. अब यहाँ पर पॉइंट भी बन सकते हैं, कॉमन भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं ये वाला. बोलो अगर पहली बात आपको क्लियर हुई. ठीक है जी, बेस्ट पाइथागोरियन ट्रिप्लेट याद हो गया. अब ये बेसिक आइडेंटिटी याद हो गया. अब आइडेंटिटी के ऊपर काम करते हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है. अब आइडेंटिटी के ऊपर ही अपन काम करेंगे. कैसे? बात को समझो. आपको इस बात का पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है. इसको अगर मैं इधर ले जाऊं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा. एक का स्क्वायर कर दूंगा तो कुछ बात नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं लिख दूंगा वन माइनस कोस थीटा, वन प्लस कोस थीटा, वन माइनस कोस थीटा, वन प्लस कोस थीटा. और इसको मैं लिख दूंगा इधर साइन थीटा इनटू साइन थीटा. आपने बोला जी गुरु, क्या यहाँ तक बात समझ आई? इसको इधर लाओ, किसी को भी कोई इधर लाओ, कोई फिक्स नहीं है कि उसको लाना है, किसी को भी ला सकते हैं. चलो जी माइनस वाले को ले आओ, वन माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा. मतलब अब आप ये मत सोचना कि मतलब सर ये नीचे आ, अब इसको यहाँ ले जा सकते हैं, अब इसको ऊपर ले जा सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा फिक्स नहीं है कोई भी बात. अब आपको लगा कि जी सर आपने बिल्कुल सही बात बता दी. चलो एक क्लास एक चीज और कराता हूँ. जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूँ कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कितना बन जाएगा? कोस थीटा
इनटू कोस थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ये तो होगा। इसको माइनस को नीचे ले आओ, कोशिश करो हमेशा माइनस को नीचे ले आओ, कोशिश करो ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं, इसलिए लिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी अगर ऊपर साइन है तो माइनस में कोस कर दो, ऊपर साइन है वही साइन नीचे यहां है तो यहां पर कर दो। तो ये डायरेक्ट आपको पूछ देखना है, उस वक्त आपको सोल्व करके नहीं देखना, ये पूछता है कोस अपॉन 1 माइनस साइन थीटा बताओ, तो आंसर आएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। डायरेक्ट आपको ये चीज देखनी है। बोलो भैया, पहली आइडेंटिटी से सब समझ आया क्या? अरे हाँ, नाम में जवाब दे दिया करो ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ जी आपको समझ आ रहा है, जितेंद्र ने बोला जी सर। चलिएगा नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे बताओ सेकंड आइडेंटिटी के ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, आपने बोला जी गुरु। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, सेकंड थीटा माइनस 10 थीटा, सेकंड थीटा प्लस 10 थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अगर मैं यहां से रख लेता हूं, कोशिश करो माइनस वाला हमेशा नीचे लेके जाओ, ऐसी कोशिश करो, नहीं भी करोगे तो गलत कुछ नहीं होने वाला। सेकंड थीटा प्लस 10 थीटा सीधा खूब सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डायरेक्ट लिख दो 1 अपॉन सेकंड थीटा माइनस 10 थीटा। क्लियर होगी जी बात? बोलो, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपसे पूछे जाते हैं, इसी हिसाब से आप दूसरा भी बना सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, वो इस प्रॉपर्टी पर आधारित है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। मतलब ये माइनस वाली जो आइडेंटिटी है उनमें डायरेक्ट आपको ऐसे लिखना है, एक ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस, और इस आइडेंटिटी को इस तरीके से पूछता है। ये दो आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है, ऊपर साइन है तो नीचे, एक जगह माइनस में कोस करो एक जगह प्लस में कर दो, बस इसके साथ ये ध्यान रखना है। कोस है तो साइन कर दो, साइन है ऊपर तो नीचे कोस कर दो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। बोलो, तो ये नहीं प्लस करना, ये तो माइनस, मतलब तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्ट रिजल्ट बनता है, इसमें से बीच का प्लस हटा दो, सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये कैसे होता है इसको मैं आपको बता देता हूं। देखो जी, एक्सप्लेनेशन डिटेल, ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इनटू कोस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है? 1 के बराबर, तो 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन साइन और 1 अपॉन कोस किसके बराबर हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर थीटा इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, मैंने तीन चार बातें आपको बताई हैं, ये तीनों चारों बातें आपको ध्यान रखनी है। बोलो भैया, क्लियर होगी बात? सर ऊपर भी सेम कर दो, ऊपर भी सेम कर दो, मतलब जितेंद्र ऊपर भी सेम कर दो, मतलब अच्छा ये ठीक है, ठीक है सॉरी, how to find triplet of odd number, how to find triplet of odd number। देखिएगा, विषम संख्या का triplet कैसे निकाला जाता है? विषम, जैसे अगर मैं मानता हूं सर कोई भी एक नंबर है, जैसे तीन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस तीन का स्क्वायर करो, इस तीन का स्क्वायर करो, इस तीन का स्क्वायर किया तो कितना आ गया? सर आपने देखा, सर नौ आ गया। इस नौ को दो हिस्सों में ब्रेक कर दो, एक चार और एक पांच, चार और पांच, एक के डिफरेंस पर, एक के डिफरेंस पर ब्रेक कर देना है, डिफरेंस मस्ट बी वन। तो देखो ये बन गया तीन चार पांच। सर कुछ और बताओ, जैसे अगर मैं मानता हूं पांच है, पांच का सबसे पहले क्या करो सर? पांच का स्क्वायर करो, जो नंबर आपको दे रखा है। अगर आपने पांच का स्क्वायर कर दिया तो कितना बन जाएगा? पच्चीस। इस पच्चीस को ब्रेक कर लो, बारह और तेरह, डिफरेंस मस्ट बी वन। जब ओड नंबर का निकालना है तो फिक्स है, डिफरेंस मस्ट बी वन, डिफरेंस मस्ट बी वन। जैसे अगर मैं बात करता हूं सात है, करके देखो, करके देखो, आपने बोला जी गुरु सात का स्क्वायर आएगा उनचास, और 49 को एक के डिफरेंस पर ब्रेक करना है, ये 24 ये 25। बोलो
मैं कुछ और नंबर लूं कि समझ गए हैं, एक दो नंबर वो ले लेते हैं ना। नो का करके दिखाओ, नो का करके दिखाओ क्या आएगा। बस अब तुम मुझे डायरेक्ट रिप्लाई लिख दो, नो का स्क्वायर 81 पर कितना बनेगा, 9 40 41 देख लो, 9 40 41 मिल लिखा हुआ अपने वहाँ पे कहीं कहीं ना कहीं लिखा हुआ, देखो यार 9 40 41 देख लो, कुछ भी आ जाएगा तो कोई भी नंबर आ जाएगा भाई। चलो जी 11 का करके दिखाओ, 11 का बोलो भैया, 11 का स्क्वायर 121 में क्या बनेगा, 60 और 61। अच्छा जी 13 का करके दिखाओ, 13 का स्क्वायर कितना बनेगा, 169 पर कितना बन जाएगा, 82 कैसे 84 85 13 84 85, ये लो बेसिक इनका स्क्वायर एंड करके देख लो बात बन जाएगी। तो मुझे पता चल गया कि प्रीपेड कैसे निकालना है, समझ गए। How to find? Triplet of even number. How to find a triplet of an even number? ये आपको निकालना है, बस एक ही मिनट का वेट करिएगा भाई क्लास में। अब 64 का आधा आप बोलेंगे सर 32। 32 को दो के गैप में तोड़ दो, 32 को दो के गैप में तोड़ दो, तो दो के गैप में तोड़ने का मतलब होगा ये 15 19। 32 को दो के गैप में तोड़ने का मतलब होगा ये 15 ये 17। जैसे अगर मैं कोई भी चीज लेता हूँ 12 का करके लिखो 12। आप बोलेंगे सर पहले मैं करूंगा 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब की बार 144 का आधा 72 को दो के गैप में ब्रेक कर दो, 1 35 और 1 37 35 और 37 क्या आ गया। और नंबर को एक के गैप में तोड़ना है और इवन नंबर को दो के गैप में तोड़ना है, क्या आगे बात समझ में। आप बोलेंगे जी गुरु आगे बात, आप कोई और भी नंबर ले सकते हैं, बताओ कोई इवन नंबर लेके देखो। सर 12 है 14, 14 का स्क्वायर 24 576 का आधा 288 जरूरी थोड़ी है, एक प्लेट बनेगा, प्लेट हजारों बन सकते हैं। अब ये जो अपन उठाते हैं सबसे छोटा नंबर, अपन उठाते हैं सबसे छोटा नंबर, जो ये वाला सबसे छोटा नंबर होना चाहिए ये वाला। तो क्या आपको ये बात समझ में आ गई, और मुझे उम्मीद है आपको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से फर्स्ट क्लास तरीके से समझ आ गई। तो अब वैल्यूज भी हमको याद है सब कुछ, तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं भाई। मेरे कहानी को सबसे पहले शुरुआत देते हैं यहां से, टाइप नंबर 1। कल मैं टाइप करके लेके आऊंगा क्वेश्चन, आज मैंने जानबूझ के निकाला था, मुझे पता था आधा घंटा 40 मिनट के करीबन तो इसी में निकल जाएगा, आपको बेसिक कराना है, और बेसिक कराने के बाद चीजें धीरे धीरे अपने को स्टार्ट करनी। जब भी के सामने न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो पहली चीज क्या सोचनी है, थीटा के कौन से मान पर वो वैल्यू आएगी, कौन से मान पर वैल्यू आएगी, थीटा के कौन से मान पर वह वैल्यू आएगी। और दूसरा अगर है, अगर ये कंडीशन मेरे को थीटा की ऐसी वैल्यू याद ही नहीं आ रही कि थीटा के कौन से मान पर वो वैल्यू है, तो अगर मुझे थीटा की वैल्यू मुझे याद नहीं आ रही तो सिंपल सी बात है राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सेट करें, ये दो चीजें होनी चाहिए आपके पास। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करूंगा वैसे वैसे तुम्हें समझ आएगा कि मैंने क्या लिखा, मैं बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। सेकेंड बात, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने तो जब अल्जेब्रिक वैल्यू हो तो क्या करना है, तो एक ही काम है, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन शुरू करवाता हूं, एक मिनट का वेट करिएगा, मैं आपके लिए क्वेश्चन फाइंड आउट कर। मुझे क्या होना चाहिए, साइन ए प्लस बी का मान, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का मान साइन ए, नहीं कोस ए प्लस बी, अभी साइन ए माइनस बी करो, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन, ये होना चाहिए। अब आओ जी नेक्स्ट, कोस ए प्लस बी
कोस में उल्टा होता है, कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। और माइनस वाले केस में क्या होता है, उल्टा, कोस ए कोस बी प्लस कोस ए प्लस बी और साइन कोस ए माइनस बी। टेन ए प्लस टेन बी वन माइनस टेन ए टेन बी, ठीक है। टेन ए माइनस बी वन, ऊपर तो सेम साइन जो है और नीचे उसका बदलकर साइन, टेन ए टेन बी। साइन टू थीटा टू साइन थीटा कोस थीटा, कोस टू थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी को मैं लिख सकता हूं, जैसे इसको मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लूं तो ये वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। इसी को अगर मैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख लूं तो टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये सेम चीज, तीनों की तीनों बातें सेम ही है, ठीक है भाई। साइन की फोर थीटा प्लस कोस की फोर थीटा, ये होता है वन माइनस जितनी पावर उसका आधा, चार है तो यहां पावर आधा टू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। जैसे अगर मैं बात कर देता हूं साइन की पावर छह थीटा प्लस कोस की पावर छह थीटा, तो वन माइनस छह का आधा तीन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये दोनों बहुत बहुत अच्छे फॉर्मूले हैं। एक यहीं पर आ जाएगा कोस थ्री थीटा, फोर कोस क्यूब थीटा माइनस थ्री कोस थीटा। साइन थीटा साइन टू थीटा साइन फोर थीटा इज इक्वल टू वन बाई फोर साइन थ्री थीटा। यही चीज होती है कोस थीटा वन बाई फोर कोस थ्री थीटा। और अगर मैं इन दोनों को साइन अपॉन कोस थीटा टेन होता है, तो अगर मैं यहां से लगा दूं टेन थीटा इंटू में टेन टू थीटा इंटू में टेन फोर थीटा, वन बाई फोर से वन बाई फोर कट जाएगा तो आ जाएगा टेन थ्री थीटा। साइन थीटा साइन सिक्सटी माइनस थीटा साइन सिक्सटी प्लस थीटा वन बाई फोर साइन थ्री थीटा। कोस थीटा कोस सिक्सटी माइनस थीटा सिक्सटी प्लस थीटा, ये हो जाएगा वन बाई फोर कोस थ्री थीटा। बहुत आसान आसान सी चीजें, बस एक बार देख लेंगे ना, फिर हमेशा के लिए याद हो जाएंगी ये बातें। और अगर साइन बाई कोस करेंगे फिर भी टेन आएगा, तो भाई मेरे ये टेन थीटा मल्टीप्लाई में टेन सिक्सटी माइनस थीटा और इनटू में टेन सिक्सटी प्लस थीटा, वन बाई फोर से वन बाई फोर कट गया तो टेन थ्री थीटा, वन बाई फोर से वन बाई फोर कट गया तो इनटू में टेन थ्री थीटा। बोलो भाई अगर ये याद है तो, आप बोलेंगे जी सर। और एक लास्ट है साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई, टू साइन सी प्लस डी बाई टू और इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू, कोस सी कोस में आपको पता उल्टा होता ही है तो टू कोस
जिसका फॉर्मूला है वो प्रेफर करना है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू। कोस में दोनों के दोनों ही, साइन के अंदर एक साइन एक कोस और कोस के अंदर दोनों ही कोस होने चाहिए, टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू, ये तो हो गए प्लस के फॉर्मूले। और ये लास्ट है जी, साइन सी माइनस साइन डी माइनस में टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन टू कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू में साइन सी माइनस डी बाई टू। और लास्ट फॉर्मूला है कोस सी माइनस कोस डी। ये होने चाहिए भैया आपको याद। तो इतनी चीजें, अब आपको ऐसा लगेगा कि सर हम याद कैसे करेंगे, मैं कराऊंगा ना, सब कुछ कराऊंगा, टेंशन तो ले रहे हैं, बस चीजों को आप एक बार ध्यान से देख लो, जो जो मैक्सिमम चीजें आपको याद है, जो जो चीज आपको याद नहीं है वो मैं करा दूंगा। तो अभी तक अपने क्या किया है, एक घंटे के अंदर जाके अपने इस बेसिक को पूरा कर पाए हैं, एक घंटा लगा, इसलिए आज मैं डी माइनस सी होगा तो डी माइनस सी तो किया है, हां गलती होगी क्या मेरे से, डी माइनस सी तो किया है। देखो तो एक घंटे में अपने क्या किया, इस चीज को एक बार देख लेते हैं। यहां से कहानी को शुरू किया था कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये होना चाहिए, ये इंग्लिश वाले को पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लाल कक्का वाली सिचुएशन, साइन थीटा का उल्टा कौन होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये कुछ होते नहीं है, ये जस्ट दो साइड का रेशियो होते हैं। और उसी के ऊपर फिर मैंने वैल्यू तो याद किया, यहां से मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे मान घटेगा वैसे वैसे थीटा का, जैसे जैसे थीटा इंक्रीजेस वैल्यू डिक्रीजेस, किसके केस में, सी के केस के अंदर। बेसिक आइडेंटिटी ये है अपनी, इन आइडेंटिटीज के ऊपर पाइथागोरस थ्योरम होता है, राइट एंगल ट्रायंगल तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, इनको बोलते हैं बनते हैं मल्टीप्लाई होकर बनते हैं, वन वन अपॉन फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई ऑफ साइन थीटा है, तो मतलब यहां से फैक्टर कोसेक से अपन डायरेक्ट इस बात को याद, फैक्टर डिबेट आपको कैसे निकालना है, इवन वाला डिबेट आपको कैसे निकालना है, से टाइप वन को शुरू करना था। तो एक घंटा हो चुका है, अब आप दो मिनट थोड़ा सा चीजों को देखो, आपके पास लगातार बोलते बोलते कि अभी मैं स्पेशल क्लास भी लेके आया था। आपको मैंने अपने बताया कि अगर साइन थीटा यानी थीटा न्यूमेरिक की वैल्यू के सामने, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने का न्यूमेरिक वैल्यू है, थीटा के कौन से मान का वैल्यू आएगी, राइट एंगल ट्रायंगल का सेक्टर, तो या तो आपको थीटा का एक मान याद आ जाए जिसके ऊपर ये चार बटा पांच आता है, तो आपको थीटा के कुछ स्पेसिफिक मान याद है, जीरो तीस पैंतालीस साठ नब्बे, तो आपको जीरो तीस पैंतालीस साठ नब्बे जैसा कोई मान दिखाया जाए जिसके ऊपर जीरो पॉइंट एट, तो क्या ये थीटा का मान नहीं है, मान तो है लेकिन हो सकता है ऐसा मान हो जाए डिग्री का, अठहत्तर डिग्री का, बयासी डिग्री का, कुछ हो सकता है, अच्छा सही नहीं है, ये लीजिएगा भाई, अब सही होगी भाई, मैं इसको भूल गया था लगाना, मेरा ये कहना है कि साइन थीटा अगर चार बटा पांच के बराबर है, मतलब पॉइंट एट, अगर पॉइंट एट के बराबर आ गया तो साइन थीटा का मान आप याद करो, अब साइन थीटा का मान याद करो कि पॉइंट एट किसके अंदर हो सकता है, ऐसे तो लेकिन आपको तो कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट याद है, जीरो तीस पैंतालीस साठ नब्बे पे, तो क्या सर ये थीटा का वैल्यू पे सेट नहीं हो गया, होगा, लेकिन जैसे तिहत्तर डिग्री चौहत्तर डिग्री सत्तावन डिग्री अठावन डिग्री साढ़े सत्तावन डिग्री, क्या पता भैया किसके ऊपर है, पचासी डिग्री बयासी डिग्री साढ़े बयासी डिग्री, क्या पता किसके ऊपर, तो इतने मान याद तो नहीं हो सकते, तो आपको दो बात ध्यान रखनी है, अगर कौन से मान पर वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू याद नहीं है आपको कि जीरो है तीस पैंतालीस ऐसा नहीं बात आ रही, तो राइट एंगल ट्रायंगल में सेट करो, सीधा गेम है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे सेट करेंगे, तो मैंने इस बात को देखा, ये होता है भाई मेरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज अगर पांच है तो परपेंडिकुलर भैया मेरे चार हो जाएगा, परपेंडिकुलर अगर चार है तो हाइपोटेन्यूज मेरा पांच, ये पांच ये चार, अगर ये पांच है और ये चार है तो भाई मेरे ये हो जाएगा तीन, पांच चार, तो ये कितना तीन, अब इसने जो भी पूछा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये तो हो गया भाई मेरे चार बटा पांच प्लस बीस बटा हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया भैया मेरे थ्री बाई फाइव, ये हो जाएगा फोर बाई थ्री प्लस थ्री बाई फोर, तो आपको पता ही आ जाएगा सात बटा पांच, सोलह और नौ पच्चीस, नीचे पच्चीस है और ऊपर चला जाएगा बारह, तो बारह सत्तर चौरासी, चौरासी बटा एक सौ पच्चीस हो गया। बोलो भाई अगर बात क्लियर हुई, आपने बोला जी सर, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं
cos थीटा इज इक्वल टू 105 बटा 145। अब आप बताएंगे tan थीटा का मान क्या होगा। अब सबसे पहली चीज, या तो आपको वैल्यू याद हो कि थीटा का कौन सा मान इसको रखेगा। आपने बोला सर वैल्यू तो नहीं याद है, वैल्यू नहीं याद है तो राइट एंगल ट्रायंगल में सेट कर दो। तो करो भाई मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में सेट। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आपने सेट करना है तो आपको पता है ये cos थीटा का मतलब होगा बेस और 145। अब स्मार्ट सर जी आपको ये कहते हैं कि आपको इतनी बड़ी बड़ी संख्या 145 अभी परपेंडिकुलर ये आया कि थीटा आपने ये मान लिया, तो 145 के स्क्वायर में 105 का स्क्वायर घटाओ। ना, ये स्मार्ट सर जी नहीं कहती, 5 से जाएगा 2 और 1, और 5 से जाएगा भैया मेरे 29। और अब आपको बेस रिप्लेट याद है, ये 21 है, ये 29 है, तो भैया मेरे ये बनेगा 20। तो tan थीटा परपेंडिकुलर भाई तो ये आ जाएगा 20/21। बोलो अगर याद हो गया। आपने बोला जी सर, अच्छा जी आइएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। साइन थीटा 1/6 मल्टीप्लाई में 1/6 मल्टीप्लाई में 1/6 इनफाइनाइट तक। अगर ऐसा है तो आपको पता है कि जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू किसी न्यूमेरिकली वैल्यू के सामने होती है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी न्यूमेरिकली वैल्यू के सामने होता है, तो आपको या तो थीटा का मान याद हो कि थीटा के कौन से मान पर ये होगा। और आपने बोला सर मुझे तो नहीं याद है, तो फिर आपको राइट एंगल ट्रायंगल की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। तो ये इसका क्या मान होता है, आपको नंबर सिस्टम की वो बात याद होनी चाहिए। अब जिस बच्चे ने नंबर सिस्टम की उस बात को याद किया है कि एक्स मैंने करवाई थी, ये बात एक्स मल्टीप्लाई में एक्स और मल्टीप्लाई में एक्स, ऐसी कितनी संख्याएं हों तो इन सबका मान कितना होता है, एक्स ही होता है। तो एक किस्म से ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक किस्म से क्वेश्चन ये दे रखा है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/6 है। अगर मुझे आसान फॉर्मेट में देना होता तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे देता, लेकिन अगर मुझे आसान फॉर्मेट में नहीं देना है तो मैं क्वेश्चन को ठीक है, तो 1/6 है तो आपको ये पता है ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो यहीं पे निकाल दो, तो ये परपेंडिकुलर है, बेस कितना बनेगा अंडर रूट 35, बेस कितना बनेगा रूट 35। और रूट 35 अगर हो गया, अरे मैंने ये तो पूछा नहीं, आपको बताना क्या है, आपको बताना क्या है, आपको बताना है जी tan थीटा प्लस cos थीटा, ये आपको बताना है। और आपको अगर tan थीटा cos थीटा आपको बताना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√35 √35/1 एक और 35 टोटल कितना हो जाएगा 36। तो क्या ये जो पहली चीज है ये आपको क्लियर हुई क्या जी सर? अब इसमें एक चीज और आती है, क्वेश्चन नंबर 4। मैं अगर आपको ये बोल दूं tan थीटा इज इक्वल टू a/b अब आपको पता है जब ऊपर भी साइन हो नीचे भी साइन हो, ऊपर नीचे साइन कोस हो और कुछ ना हो, सिंपल साइन कोस हो, ध्यान रखना शॉर्टकट यही है, आप नॉर्मल तरीके से निकालेंगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट सिखा रहा हूं। जब ऊपर भी अशोक रूट 35 कैसे, एक मिनट रुको, अरे भाई मेरे अशोक इतनी छोटी छोटी बातें यार, हाइपोटेन्यूज 6 है परपेंडिकुलर 1 है, तो ये आपको पता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर घटाऊंगा 6 के स्क्वायर 36 में से 1 गया 35 और 35 का ये अंडर रूट 35 नहीं आएगा, ये मैंने राइट एंगल ट्रायंगल लिखने की बजाय मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब मेरा ये कहना है कि जब ऊपर भी साइन कोस हो नीचे भी साइन कोस हो और कुछ ना हो इनके साथ, बस ऊपर भी साइन कोस नीचे भी साइन कोस, आप डायरेक्ट काम कर सकते हैं, आप डायरेक्ट क्या काम कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, tan थीटा को ऐसा लिख सकते हैं a/b, साइन को कितना लिख दो a, cos को कितना लिख दो b, तो साइन को कितना लिख दोगे a, cos को कितना लिख दोगे b, डिवाइडेड बाय साइन को कितना लिख दोगे a, cos को कितना लिख दोगे माइनस, तो आंसर मेरा आ जाएगा a + b डिवाइडेड बाय a माइनस, आंसर मेरा आ जाएगा a + b डिवाइडेड बाय a माइनस b। बोलो भैया, जैसे सर एक दो क्वेश्चन और करके बताओ, आओ भाई क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाता हूं आपको। tan थीटा का 3/4 है, बताओ शाबाश बताओ, राम खिलाड़ी 18, वेरी गुड भाई, देखते हैं कि आपने सही दिया है या गलत दिया है, वो थोड़ी देर में चेक करेंगे, लेकिन मैंने सही दिया आपने, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो जब ऊपर भी साइन कोस हो नीचे भी साइन कोस हो तब ही ये चीज अप्लीकेबल है, कौन सा, इसको लिख दो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 3/4, साइन थीटा किसके बराबर है 3 के, cos थीटा किसके बराबर है 4 के, तो साइन 3 के बराबर आएगा 2 into 3 प्लस में 3 into 4
डिवाइडेड बाई 3 × 4, 3 × 3 माइनस में 2 × 4 12 और 6 टोटल कितना देगा 18, 18 बाई 1 तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा 18, 18 बाई 1 तो मेरा आंसर कितना बन जाएगा 18। बोलो भैया बात क्लियर हुई क्या? आप बोलेंगे जी सर। चलिएगा एक और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। साइन थीटा इक्वल टू 8/17 और कोस अल्फा, या मैं ऐसा लिख देता हूं, टेन अल्फा इज इक्वल टू 15/8 और आपको बताना है कोस थीटा प्लस अल्फा, ये आपको बताना है क्या होगा। जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, तो दो रास्ते आपके लिए खुलते हैं। पहला रास्ता ये कहता है कि आपको या तो थीटा का मान याद हो, अगर आपको थीटा का मान याद आ जाता है तो बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपको थीटा का मान याद नहीं आता है तो कोई खास बात नहीं है, आपको फिर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सब कुछ सेट करना पड़ेगा। तो मैंने इस बात को देखा, अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, इसको तो थीटा है परपेंडिकुलर, इसके सामने रहेगा 8 और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 7। और अब मुझे देखो, अगर मैं अल्फा मानता हूं, 90 वाले को तो कुछ कह नहीं सकते, चलो जी मैं इसको अल्फा मान लेता हूं, तो अल्फा क्या कहता है, अल्फा के साथ बेस बनेगा तो देखो बेस ही 8 आ गया भाई, एंगल जिसमें बनता है हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में तो बनता है, तो बेस 8 आ गया और बेस 8 आ गया 17 8 और ये 15 ऑटोमेटिक आपको पता है इस बात का कि 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाऊंगा तो 15 का स्क्वायर आएगा। तो भैया मेरे अल्फा के लिए 15/8 मतलब ये अल्फा और थीटा एक ही ट्रायंगल के दो एंगल हैं। इन साइड से हम आप ये चेक कर पाए, ये अल्फा और थीटा एक ही ट्रायंगल के दो एंगल हैं, और एक ही ट्रायंगल के अगर दो एंगल हैं तो मुझे पता चल गया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये तो 90 डिग्री होता है, कि जो साइड का रेशियो सेट होता है साइन थीटा कोस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देने से मुझे ये बात क्लियर होगी कि राइट एंगल ट्रायंगल ही है। तो भैया मेरे थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 90 डिग्री, थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और थीटा और अल्फा अगर 90 डिग्री आ गया तो कोस 90, और कोस 90 कितना होता है भाई मेरे, कोस 90 होता है 0। हो गया बात? हाँ जी सर। आओ जी क्वेश्चन नंबर 7 पर। कोस थीटा इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1, कोस थीटा इज इक्वल टू 2p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 1, और आपको बताना है, अच्छा p नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, जो ये कंडीशन आपको गिवन होती है ना, ये गिवन होती है इनफाइनाइट से बचाने के लिए, तो आपको बताना है कोसेक थीटा का मान क्या होगा, आपको बताना है भैया मेरे कोसेक थीटा का मान क्या होगा। आपको इस बात का पता है कि जब भी अल्जेब्रिक वैल्यू आती है तो एक बात फिक्स है कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से है, जब भी अल्जेब्रिक वैल्यू आती है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से ही है। ये है पी स्क्वायर प्लस 1, ये बेस आएगा 2p, तो ये याद रखो ये पी स्क्वायर प्लस 1 है, ये 2p है, तो कितना बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1, ये कितना बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1। तो मुझे कोसेक थीटा बताना है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा कितना होता है, हाइपोटेन्यूज पी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर पी स्क्वायर माइनस 1। मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि देखो ये चीज अपने कैसे निकाली है, ये चीज आप याद कर लो, ये चीज आप याद कर लो, पी स्क्वायर प्लस 1 और ये 2p, तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये चीज आप याद कर लो तो बड़ा बढ़िया फायदा हो जाएगा, बहुत जबरदस्त फायदा हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 और ये पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2p। बोलो भैया, बोलो बोलो, आप बोलेंगे जी सर। तो इस तरह के मैं कितने क्वेश्चन करा दूं, हजारों क्वेश्चन करा दूं, तुम्हें पहली टाइप समझ आ गया, मुझे बताओ बस बेसिक टाइप, कि भाई जब भी ट्रिग्नो, देखो फिर उस बात को पढ़ लो, तुम इस बात को पढ़ो एक बार, आराम से पढ़ो एक बार, इतने नाम से जो मैंने बोला हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर न्यूमेरिकली वैल्यू होती है तो थीटा के कौन से मान पर वैल्यू आएगी, पहली चीज चेक करो, और राइट एंगल ट्रायंगल में या तो फिर राइट एंगल ट्रायंगल में सेट करो, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अल्जेब्रिक वैल्यू हो तो राइट एंगल ट्रायंगल में सेट करो। इसी केस के ऊपर मैंने लगातार चीजें आपको करा दी है, लगातार आपको ये चीजें कराई, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई है। बताओ जी, बताओ सारे के सारे बच्चे, बताओ इसका आंसर क्या होगा, और कट कर लो भैया, 7 और 2 9 4 8 9 9 से कट हो रहा है उपेंद्र, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वैसे जब भी ऊपर साइन कोस, ऊपर भी साइन कोस, नीचे भी साइन कोस, निशान का कोई मतलब नहीं है, ऊपर भी साइन कोस और नीचे भी साइन कोस, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि टेन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 5/9, तो साइन की जगह 5 रख दो, कोस की जगह 9 रख दो, 18 × 5 माइनस में 7 × 9 डिवाइडेड बाई
9 गुना 5 प्लस में 11 गुना 9 तो 90 में से 63 गया तो 27 और ये 99 में 45 जोड़ा तो 144 तो चलिए आज यहीं तक करते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े रहे हैं और इसी तरीके से आप लगातार जुड़े रहिए। आज से प्लस कोर्स शुरू हो गया है। आज भी बेसिक पार्ट है तो इसलिए क्वेश्चंस टाइप नहीं होंगे, तो मैं चीजों को करवाऊंगा, लिखवाऊंगा खुद ही, एक एक बात पे सोचना चीजें, क्योंकि एक दो दिन में आप सोचना सीख जाएंगे तो टाइप वाइज चीजें अपन ले आएंगे, मतलब टाइप फॉर्मेट। सेकंड थीटा अगर इतना है तो आपको बताना है सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, आपको पता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर कोई अल्जेब्रिक वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर कोई अल्जेब्रिक वैल्यू होती है तो आपको इस बात का पता है कि आपको दिखाना पड़ता है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ये कहता है भैया मेरे ये थीटा है, तो सेकंड थीटा कितना बनेगा 4x² + 1 / 4x, 4x² + 1 / 4x। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है भाई मेरे मतलब सेकंड थीटा कर्ण बटा आधार। तो आपको पता है कि ये वाला तो कर्ण है 4x² + 1, ये वाला आधार है 4x, तो यहां से अगली चीज आएगी, कल ही सिखाया था 4x² - 1, ये चीज अगली आएगी। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते रहो, सेकंड थीटा है 4x² + 1 / 4x, 4x² + 1 / 4x, और टेन थीटा हो जाएगा 4x² - 1 / 4x। तो ऊपर 1 से 1 कैंसिल तो 8x² / 4x, x से x कैंसिल, 4 से 2 कैंसिल, आंसर मेरा आ जाएगा 2x। अब जैसे कल मैंने आपको ये भी सिखाया था 2 sin θ/2 = 1 है, तो आपको थीटा का मान बताना, तो थीटा के केस में दो बात थी, अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है कि कौन सी वैल्यू पर ये वाला कौन सी वैल्यू पर आ सकता है आपको, एक तो ये याद, जैसे अगर मैंने देखा इस दो को अगर मैं इधर कर दूं तो sin θ/2 = 1/2 है, तो आपको इस बात का पता है कि 1/2 थीटा के कौन से मान पर होता है, 1/2 थीटा के कौन से मान पर होता है, तो आपको पता है कि 30 डिग्री पर, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं sin θ/2 = sin 30 डिग्री, और आपको पता है कि साइन साइन हट जाएगा तो θ/2 = 30 डिग्री, θ = 60 डिग्री, θ बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी कि जब भी एक न्यूमेरिकली वैल्यू आपके सामने होती है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि या तो आप वैल्यू सेट करो और मतलब और या आप बात को आगे बढ़ाते हो, मतलब या तो राइट एंगल ट्रायंगल में आओ नहीं तो आप उस चीज को सेट करो। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये बोल देता हूं sin A + B = 1 है, और आपको पता है sin A - B 1/2 है, तो आपको पता है A और B निकालना है क्या आपको, धीरे 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 बच्चे ऐड हो जाएंगे। कल हमने दो बातें पढ़ी थी और दो के ऊपर ही अपन ने सारा काम किया था, तो आज उसके आगे चलते हैं। आज भी बेसिक पार्ट है तो इसलिए क्वेश्चंस टाइप नहीं होंगे, तो मैं चीजों को करवाऊंगा, लिखवाऊंगा खुद ही, एक एक बात पे सोचना चीजें, क्योंकि एक दो दिन में आप सोचना सीख जाएंगे तो टाइप वाइज चीजें अपन ले आएंगे, मतलब टाइप फॉर्मेट। सेकंड थीटा अगर इतना है तो आपको बताना है सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, आपको पता है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर कोई अल्जेब्रिक वैल्यू होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने अगर कोई अल्जेब्रिक वैल्यू होती है तो आपको इस बात का पता है कि आपको दिखाना पड़ता है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है आपको, राइट एंगल ट्रायंगल ये कहता है भैया मेरे ये थीटा है, तो सेकंड थीटा कितना बनेगा 4x² + 1 / 4x, 4x² + 1 / 4x। और साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है भाई मेरे मतलब सेकंड थीटा कर्ण बटा आधार।
तो आपको पता है कि ये वाला तो कर्ण है 4x square plus 1, ये वाला आधार है 4x, तो यहां से अगली चीज आएगी, कल ही सिखाया था 4x square minus 1, ये चीज अगली आएगी। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा करते रहो। secant theta है 4x square plus 1 divided by 4x, 4x square plus 1 divided by 4x, और tan theta हो जाएगा 4x square minus 1 divided by 4x, तो आपको इस बात का पता है कि 1 by 2 थीटा के कौन से मान पर होता है, 1 by 2 थीटा के कौन से मान पर होता है, तो आपको पता है कि 30 डिग्री पर, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं sin थीटा by 2 डिग्री, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि या तो आप वैल्यू सेट करो और मतलब और या आप बात को आगे बढ़ाते रहो, मतलब या तो राइट एंगल ट्रायंगल में आओ नहीं तो आप उस चीज को सेट करो। ये छोटी छोटी चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको ये बोल देता हूं sin a + b इक्वल टू 1 है, और आपको पता है sin a - b 1 / 2 है, तो आपको पता है a और b निकालना है क्या, ए और बी आपको फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर न्यूमेरिकली वैल्यू में, अगर न्यूमेरिकली वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने है तो सीधा ध्यान रखो, क्या ध्यान रखना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि साइन की इस पर तो 90 आएगा, और यहां मैंने देखा ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, तो इन दोनों से आप निकाल सकते हैं ए 60 डिग्री और बी 30 डिग्री। छोटी 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 बातें आपको पता होनी चाहिए कि कल वाली ही बात के ऊपर हम लोगों ने इस बात को आगे बढ़ाया। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 3, और आपको बताना थीटा का मान, तो मैं आपको अलजेब्रा पढ़ा चुका हूं, अलजेब्रा में मैंने आपको ये बताया था कि अगर मैं इसको रिवर्स कर लेता हूं, अलजेब्रा में अपन इस चीज को देख चुके हैं कि आपको देखा cos थीटा प्लस साइन थीटा कंपोनेंट और डिविडेंड वाले स्टेप को देख चुके हैं डिवाइडेड बाई, तो आप अगर यहां से डायरेक्ट देखो, अगर मैं इसको ऊपर कर देता हूं इसको भी ऊपर कर देता हूं, तो क्या ये cos / sin आ जाएगा, cos / sin आपने बोला जी सर, और ये कितना बन जाएगा 1 / √3, और 1 / √3 तो इसका मतलब सीधा cos / sin cot होता है, cot होता है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मुझे पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात का पता है। आइए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, हर वैरायटी का एक-एक क्वेश्चन अपन आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं tan थीटा प्लस का cot थीटा इज इक्वल टू 2 है, और आपको निकालना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, sin square theta plus में cos square theta, tan theta plus cot theta equal to 2 है, तो मैंने यहां से देखा कि theta is equal to कितना बन जाएगा, अगर 2 के बराबर जब भी कोई चीज होती है ना और दो reciprocal है तो ये algebra वाली वो वाली चीज हो गई 1 plus 1 equal to 2, 1 plus 1 equal to 2, तो 1 कैसे निकल सकता है, theta equal to 45 degree पर 1 आ जाएगा, theta equal to 45 degree पर 1 आ जाएगा, theta अगर 45 degree पर आ गया तो यहां पर क्योंकि theta 45 और cot 45 पर ही तो 1 है, तो यानी 45 है 1 by root 2 और 1 by root 2 का square, तो ये 1 by 2, 45 से 1 by root 2, 1 by root 2 का square 1 by 2, 1 by 2 plus 1 by 2 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। बोलो क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए, आपको पता है sin थीटा प्लस cosec की पावर 7 थीटा इज इक्वल टू 2 है, यानी जो पूछ रहे उसी का रेसिप्रोकल के साथ जोड़ है, जैसे tan था तो tan का रेसिप्रोकल, sin था तो sin का रेसिप्रोकल, अब यहां पावर सेम है, यहां मैंने पावर भी डिफरेंट कर दी, और आपसे फिर इसी चीज का पूछ ले sin की पावर 99 थीटा cosec की पावर 99 थीटा, तो आपको पता है कि रेसिप्रोकल वाले केस में गेम फिक्स है, बिल्कुल रेसिप्रोकल वाले केस में 1 + 1 = 2 होता है, तो 1 जब sin और cosec है एक दूसरे का रेसिप्रोकल का केस है, तो ये केस बनता है x + 1 / x वाला, x + 1 / x = 2 है, अलजेब्रा में वैसे तो पढ़ते हैं x = 1 आएगा, और ये वाला भी 1 ही आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 1 है, तो 1 की पावर 99 और cosec का भी 1 की पावर 99 तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा, तो एक बात का ध्यान रखें जब भी ये केस tan cot का देता है तो हम थीटा का वैल्यू निकल सकती है, और जब इस तरह का केस देगा पावर 99 पावर दिस पावर दिस, तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू नहीं निकल सकती, तो थीटा की वैल्यू नहीं निकल सकती, तो आपको फिर वो डायरेक्ट यहां पर तो आंसर देना होता है। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, sin a plus b minus c is equal to 1 by 2, cos b plus c minus a is equal to 1 by 2, tan c plus a minus b is equal to 1,
आपको बताना है ए बी और सी, ये आपको बताने हैं क्या। पिछले क्वेश्चन में 5/2 क्यों होगा, पिछले क्वेश्चन में यही होगा सुनील, साइन का मान एक है, साइन का मान भी एक है और कोशेक का मान भी एक है, तो एक की पावर से कितना ही कर लो। अच्छा हाँ ये गलत हो गया भाई मेरे से, 45 से तो ये 2 आएगा ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, मतलब 2 आएगा और इसका आंसर आएगा 5/2, बिल्कुल ये गलत हो गया था, 5/2 आएगा बिल्कुल। अब देखो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सामने एक न्यूमेरिकली वैल्यू होती है तो एक गेम फिक्स है सीधा सीधा, क्या फिक्स है, ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1/2, 1/2 मतलब 30 डिग्री, कोस के साथ बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू कितना डिग्री, 60 डिग्री, सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे अगर इन दो को देखो, इन दो, इन दो से आंसर निकालो एक, अब आपको पता है सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 2b बच गया, 2b इक्वल टू 90, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 45। जैसे अगर मैं पहले और तीसरे को देखता हूं, फर्स्ट और थर्ड को, तो सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, 2a इक्वल टू 120, तो a इज इक्वल टू 60। और अगर मैं इन दोनों को देख लेता हूं, इन दोनों, तो a से a गया, b से b गया, c आ जाएगा 150 और c अगर 150 आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 150 बटा 2 तो कितना आ जाएगा 40, 75। तो ये वाला मतलब जब तीन तीन भी आ जाते हैं तो भी अपनी सेहत पर, अपने टेक्निक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, डायरेक्टली रूप से अपन उस काम को करते रहते हैं। अगर तीन तीन भी आ जाते हैं तो डायरेक्ट रूप से अपन उस काम को करते रहते हैं। बोलो भैया अगर बात आपकी क्लियर है तो बात आपकी जायज है, आप बोलेंगे चीज। आइएगा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। अब ये कह रहा है ए बी सी आर 45 तो हो गया, कहाँ हुआ 90, कर तो रखा है, कौन सा हो गया 40। सुनील ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक आपको दे रखा है 10। ये गलत हो गया भाई, मैं जल्दबाजी में आज मेरा दिमाग कहीं इधर उधर है ना, ये गलत हो गया, ये 45 होगा भाई, बिल्कुल 45 होगा ये भाई, बिल्कुल सही कह रहा है, मेरे दिमाग से आज कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करके दिमाग हो गया, बैठे बैठे मैं कुछ सोच रहा था, पढ़ा रहा था। तो ये कितना बनेगा, ये तो बी आ गया, अब ए के सी के लिए क्या करना है, ए के लिए क्या करना पड़ेगा, 75/2 75/2, और यहाँ कितना बनेगा 105/2। अब तो ठीक है ना, अब ठीक है, अब मैं थोड़ा ध्यान रखूंगा। अब मैंने ये बोला है कि 10 ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, सेकंड b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 2, और आपको a b और c ये तीनों ही निकालने हैं। अब आपको पता है ABC और एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो मैं ये कह सकता हूं a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां तक तो ये बात फिक्स है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 है। 10 a प्लस b माइनस c इज इक्वल टू कितना है, 45 डिग्री। सेकंड, सेकंड अगर ऐसा है तो b प्लस c माइनस a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब यहां से निकालो एक एक करके आंसर, पेयरिंग बनाओ और निकालो। अब देखो अगर मैं इन दोनों को देख लेता हूं, c से c गया, a से a गया, तो 2b, 2b अगर 105 के बराबर है तो b बराबर 105/2, b बराबर आ जाएगा 105/2, b का मान आ गया 1505/2। और अब अगर मैं यहां से एक बात को देखता हूं, अगर मैं इन दोनों को देख लूं, c से c कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ 2a इज इक्वल टू 225, तो 2a प्लस 2b इक्वल टू 225 है। 2a आपको निकालना है, 2b की जगह 105 रख सकता हूं, क्योंकि 2b की जगह 105 रखता हूं, 105 इधर माइनस कर दो, तो 2a इज इक्वल टू कितना देगा, इसमें से 105 अगर माइनस करूंगा, 5 में से 5 गया 0, ये 2, ये 120, तो a बराबर कितना आ गया, 60, a बराबर कितना आ गया है, 60। और ए का मान अगर 60 आने के बाद, अब चेक करो, ए बी सी का जोड़ 180 है, बी 105/2 है, और बी अगर 105/2 है तो भैया मेरे ये आ जाएगा 60 अगर 120, 120 में से अगर मैं निकालूंगा तो सी आ जाएगा 135/2। सी आ जाएगा 135/2। आइएगा भाई मेरे क्वेश्चन नंबर 9, आइएगा जी क्वेश्चन नंबर 9। मुझे बताओ साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू
तो आपको बताना है 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आपको बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। जब भी अलजेब्रा जिस बच्चे ने पढ़ा है याद है, ऊपर सेम दो चीजों का प्लस है, नीचे सेम दो चीजों का माइनस है। अगर सेम दो चीजों का प्लस हो, सेम दो चीजों का माइनस हो तो क्या होता है? सेम दो चीजों का प्लस, सेम दो चीजों का माइनस, तो सिंपल सा गेम है क्या? कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड हो, तो ये आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू 5 और 4 9, और 5 में से 4 गया 1, तो ये 9 आएगा। साइन थीटा कोस थीटा होता है 10 थीटा के बराबर। इस सारे को ही तो अपन 10 थीटा लिख सकते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 82, और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 1 तो 82 बटा 80 तो 41 बटा 40। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। मुझे लगता है बेसिक वाले अब तो क्वाड्रेंट चेंज वाले क्वेश्चन सिखाने पड़ेंगे। एक क्वेश्चन और सिखा देते हैं, चलो तो क्वाड्रेंट चेंज वाले क्वेश्चन सिखाने। अब इसका सेकंड बेसिक समझो। एक बेसिक अपन ने कल समझा था, एक बेसिक आज, क्योंकि शुरू के 3-4 दिनों में ये सारा जो बेसिक क्वेश्चन है ना ये पूरा हो जाएगा ना, तो फिर आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। देखो, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री है, ये 270 डिग्री है, और ये 360 डिग्री है। इतना सही तो गेम है, 0, 90, 180, 270, 360। ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और भैया मेरे ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। पहले क्वाड्रेंट के अंदर स्पष्ट लिखा होता है ऑल, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली लिखूंगा ऑल, स्कूल स्कूल, टू टू कॉलेज कॉलेज। स्कूल का मतलब है एस का मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा कोस थीटा। टी का मतलब है भैया मेरे टेन थीटा, और टेन का उल्टा भाई मेरे कोस थीटा, और कोस कोस। सी का मतलब है कोस थीटा, और कोस का उल्टा सेकंड थीटा। ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी यहां पर सिर्फ 0 से 90 पर सारे के सारे ही पॉजिटिव मिलेंगे आपको। चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लो, सारे के सारे ही आपको पॉजिटिव मिलेंगे। और 90 से 180 के बीच में, 90 से 180 के बीच में सिर्फ ये दो पॉजिटिव, 180 से 270 में ये पॉजिटिव, और ये 0 के साथ यहां 360 होता है। ठीक है, दूसरी बात, 90 और 270 चेंज, 180 360 नो चेंज, 180 या 360 नो चेंज, ये चेंज है, नो चेंज है। कौन किसमें चेंज होगा ये बात की बात है। जैसे साइन चेंज होगा कोस में, टेन थीटा चेंज होगा कोट में, और सेकंड थीटा चेंज होगा कोश थीटा। ये चेंज वाला गेम है। अब आपको इसके क्वाड्रेंट के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। कैसे? देख, जैसे अगर मैं आपको ये बोल देता हूं साइन 90 माइनस थीटा, तो जगह 90 में से माइनस ही होगा, थोड़ा सा ध्यान रखो। 90 में से माइनस होगा तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सारे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का पंगा ही नहीं है पहले में। तो 90 से माइनस, अब इस लाइन से देखो माइनस से वो 1 डिग्री माइनस होगा, माइनस होगा तो इधर ही आएगा 90 माइनस साइन 90, तो इधर बन जाएगा कोस थीटा। या अगर मैं आपको ये बोल दूं कोस 90 माइनस थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अगर मैं यहां से बोल देता हूं टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा आ जाएगा कोस थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अगर मैं यहां से बोल देता हूं सेकंड 90 माइनस थीटा, तो कोशक थीटा, और कोशक 90 माइनस थीटा कोस थीटा सेकंड थीटा। 90 माइनस पर आपको ये चीज रखना है। एक और बात का ध्यान रखिए, वो मैं लिख देता हूं, निशान हमेशा, हाँ ये रिवर्स थोड़ी, ये चेंज है, चेंज का रूल है, ये चेंज रूल है, ये चेंज रूल। निशान हमेशा पिछली वैल्यू, पिछली पिछले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के हिसाब से लगता है। निशान हमेशा पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग लगता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कैसे? देखो जी, जैसे अगर मैं आपको ये कह दूंगा साइन 90 प्लस थीटा, इधर ध्यान देना 90 प्लस होती है सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब मुझे पता है 90 देखते ही तो 100% ये कोस आ गया, लेकिन निशान 90 इसके अकॉर्डिंग, देखो कोस तो नेगेटिव है लेकिन आपको कोस से मतलब नहीं है, आपको देखना पिछले के अकॉर्डिंग। ये पिछला जो मैंने अभी लाइन लिखी है ना, निशान हमेशा पिछले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग लगता है, ये पिछला, ये कितना आएगा प्लस। जैसे अगर मैं बात करता हूं कोस 90 प्लस थीटा,
इज इक्वल टू हो जाएगा, ऑफ कोर्स 90 दिखते ही तो हमें स्पष्ट समझ में आ गया ये sin थीटा है, 90 दिखते ही तो हमें स्पष्ट समझ में आ गया ये कितना थीटा है, sin थीटा है 90 के दिखते ही। अगर ये 90 दिखते ही हमें sin थीटा समझ में आएगा, कोस है, कोस किसके अंदर जाएगा, माइनस के अंदर, क्योंकि यहां पर तो कोस नेगेटिव है, देखो sin तो यहां पॉजिटिव है, लेकिन ये sin को भेजा किसने, कोस ने, निशान हमेशा पिछले के अकॉर्डिंग लगता है कि उस क्वाड्रेंट के अंदर ये पिछले वाला पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, फिर पढ़ दो इस लाइन को, निशान हमेशा पिछला, ये है अगला, ये वाला अगला, ये वाला पिछला, हमेशा पीछे के अकॉर्डिंग निशान लगेगा, इस बात का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, पीछे के अकॉर्डिंग निशान लगेगा, cos 90 प्लस थीटा तो ये आ जाएगा। अगर मैं ये बात करता हूं tan 90 प्लस थीटा, अब आपको पता है कि tan तो यहां पर क्या है, नेगेटिव है, तो 90 प्लस में तो tan नेगेटिव, इसके हिसाब से बाद में देखो tan 90 किस में कन्वर्ट होता है cot, जैसे अगर मैं बात कर दूं यहां पर cot 90 प्लस थीटा, अब जैसे 90 प्लस देखा तो ये क्वाड्रेंट, इस क्वाड्रेंट में cot को ही चेक करो, पहले cot ही चेक करो, cot चेक करो तो कितना बढ़ेगा नेगेटिव, और cot 90 ये कितना हो जाएगा tan थीटा। अगर अपन बात करते हैं secant 90 प्लस थीटा, अब पहले तो सेकंड ही चेक करो, सेकंड क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, ऑल स्कूल टू कॉलेज, अभी अभी सिखाया था साइन और कोसाइन की पॉजिटिव है, बाकी तो सारे के सारे नेगेटिव है, तो ऑल स्कूल टू कॉलेज वाली केस में ये साइन क्या है भैया मेरे, साइन तो सर नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है और इसकी किसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट कोसेक में होता है, तो आंसर मेरा कोशेक का देगा, और लास्ट है कोशेक 90 प्लस थीटा, कोशेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कोशेक 90 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा, बोलो ये कोसेक यहां पर क्या, अरे गलती हो गई, साइन थीटा कैसे आएगा, सेकंड थीटा क्या है इसमें पॉजिटिव, और ये कितना आएगा सेकंड थीटा। तो अब आपको थोड़ा समझ में आया, फिर पढ़ लो इस बात को कि निशान हमेशा पिछले की तरफ होता है, पिछले के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब और यहां पर एक बात और बता रखी है, 90 दिखे या 270 दिखे तो आपको चेंज कर देना है, ये दोनों दिखे तो आपको कोई चेंज नहीं करना है, 90 270 चेंज, 180 360 नो चेंज। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 है तो मुझे पता है साइन तो साइन ही आना है, चेंज करना ही नहीं, वही का वही आ जाएगा 180 माइनस, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, साइन तो पॉजिटिव। जैसे अगर मैं बात कर दूं कोस 180, मैंने इस बार प्लस कर दिया, चाहे 180 माइनस हो चाहे 180 प्लस हो, 180 दिखते ही तो कोई चेंज नहीं करना, 180 दिखते ही तो कोई चेंज नहीं, कोस का कोस आ गया, और मुझे बताओ 180 प्लस, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या है, नेगेटिव। अरे याद करो, ओल स्कूल टू कॉलेज, साइन कोस टेन कोट कोस सेकंड, याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो अब मैंने देखा, अगर मैं यहां से मैं बोल देता हूं टेन 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस है, 180 दिखते ही तो टेन का टेन ही आ गया, 180 दिखते ही तो टेन का टेन ही आ गया, बोलो भाई, बोलो भैया, आपने बोला जी गुरु, और 180 दिखते ही अगर टेन आ गया तो मैं ये कहता हूं क्या बनेगा ये 180 माइनस, माइनस तो सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या है, 10 तो नेगेटिव है। अगर जैसे मैं बात कर देता हूं, देखते हैं कितने बच्चे सही दे पाते हैं, कोट 180 प्लस थीटा, और 180 प्लस है, अगर 180 प्लस की मैं बात करूंगा तो आपको इस बात का पता है कि 180 दिखते ही गलत, 180 दिखते ही तो ये कोट दिखते ही तो कोट ही नहीं आएगा, चेंज क्यों करना है सुनील, चेंज करना ही क्यों है, और 180 प्लस है, प्लस दिखते ही तो यहां पर 10 और कोट पॉजिटिव है, ये प्लस आएगा, समझ आ गई मेरी बात। अब मुझे उम्मीद है कि अब मैं 50 संख्या लिखता हूं, लेकिन आपको समझ आ गया कि 180 पर, अब जैसे अगर मुझे बताओ सारे के सारे बच्चे जो बताना चाहता है 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा बताओ रे भाई मेरे, 270 माइनस, तो भैया मेरे 270 बनेगा कोट। अब यहां पर आपको टेन का नाम नहीं देखना, आपको निशान देखना है, मतलब कोट का नहीं देखना, टेन का देखना है, तो उम्मीद है आपको अब बात समझ में आ गई है। अब मेन बात, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कोश 360 माइनस थीटा, या मैं बोल दूं जीरो माइनस थीटा, या मैं बोल दूं माइनस थीटा, ये सारी एक ही बात है, और ये सारी एक ही बात है, तो 360 माइनस थीटा ये वाला, 360 माइनस थीटा ये वाला, और ये वाला कितना बन जाएगा कोस थीटा। तो बाकी कई कभी कभार, जैसे ये बहुत बार बच्चे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से गलत कर बैठते हैं, माइनस साइन थीटा, तो ये होता है माइनस का साइन थीटा, जैसे कोस कोस कह रहा हूं, या टेन माइनस थीटा, उनको लगता है माइनस क्या चीज है, अरे माइनस मतलब इस जीरो वाली लाइन में से माइनस कर दिया, ये 360 वाली लाइन में से माइनस कर दिया, 360 वाली लाइन में से माइनस कर दिया ये वाला, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कितना आएगा माइनस का टेन थीटा। लेकिन जैसे इस कोस को बोल दें, अगर मैं यहां ये बोल देता हूं सेकंट माइनस थीटा, और सेकंट माइनस थीटा कितना बनेगा, सेकंट थीटा बनेगा, बात मुझे लगता है आपको बहुत आराम से क्लियर है, ठीक है। तो अब क्वाड्रेंट चेंज वाला गेम आपको समझ आ गया है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, दो चीज होती है, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे दो कोण जिनका मान 90 डिग्री हो जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। जैसे आप ये मान के चलो, मैं अगर ये बोल दूं ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 90 डिग्री, इसको अगर मैं इधर कर दूं तो ए इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 90 माइनस बी, आपने बोला जी सर, मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, मैं दोनों तरफ साइन अप्लाई कर देता हूं, साइन मैंने एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अप्लाई कर दिया, तो इधर मैंने देखा कि ये तो साइन ए है, और साइन 90 डिग्री कोस में, और 90 माइनस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 90 में से माइनस करो, ज्यादा डिग्री 87 डिग्री 88 डिग्री पे पहुंच जाओगे, तो कोस बी, तो ये बात मुझे बिल्कुल क्लियर हो गई कि जब भी साइन ए कोस बी के बराबर होगा तो फिक्स बात होगी कि ए और बी का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि अगर मैं बात कर देता हूं tan a इज इक्वल टू cot b, तो मतलब ए और बी का मान कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये मैं कर देता हूं secant a इज इक्वल टू cosec b,
तो ए और बी का मान कितने डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। मुझे बताओ अगर ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। ए और बी का मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री होगा। क्लियर होगी ये बात? बोला कि सर बिल्कुल। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करता हूं। अच्छा बताओ, मैं अगर आपको ये बोल दूं कि साइन 40 किसके बराबर है, बताना साइन 40 किसके बराबर है। आप बोलेंगे 40 में कितना जोड़ूं कि 90 हो जाए, 50। और साइन किस में कन्वर्ट होता है, कोस में। तो ये कोस 50 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भैया हां या ना। ये कोस 50 होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भैया हां या ना। आप बोलेंगे जी सर। अब अगर मैं आपको ये कह दूं, अगर मैं इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लेता हूं, कैसे? साइन 40 इज इक्वल टू 1। जब साइन कोस में कन्वर्ट होता है 40 50 नंबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 बैठता है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ऑटोमेटिक जब ऊपर नीचे एक दूसरे के कंजुगेट बैठे, यानी साइन किस में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन वाले एक दूसरे के बैठे और ऊपर नीचे का जोड़ करना, तो इसको एक के बराबर मानते, इस बात का ध्यान रखना। आपने बोला जी सर, तो चलिए मैं पहला ही क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करता हूं, देखते कितने बच्चे इसको पहचान पाते हैं। साइन 49 डिवाइडेड बाय कोस 41 का स्क्वायर प्लस कोस 41 डिवाइडेड बाय साइन 49 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको बताना है क्या होगा, ये आपको बताना है क्या होगा। तो आपको पता है इस बात का कि साइन कोस में कन्वर्ट होता है, ये इसको ऊपर नीचे कट करके अपन एक लिख सकते हैं, कस्वेर एक आता है। कोस साइन में कन्वर्ट होगा, ये भी एक आता है, एक प्लस एक, तो भैया मेरे टोटल कितना आ जाएगा? तो आंसर मेरा आ जाएगा 50 क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, सेकंड का 50 इनटू साइन 40 प्लस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट का बना देता है, इसी फॉर्मेट को कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट बना देता है। बोलो भैया आप बोलेंगे जी। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करा लो। सर कटेगा नहीं, कट तो गया, एक एक है। अरे कटेगा नहीं का मतलब वो मैंने आपको समझाया है कि वो एक हो जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वो एक हो जाएगा। मैंने तो ये लिखा कि ये देखो एक हो जाएगा, ये देखो एक हो जाएगा, ऐसा काटने का सेंस मतलब वो नहीं था मेरा, समझ गए ना? वो तो आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन का केस। अगर मैं आपको ये बोल दूं 10 40 इनटू कोट 50 तो ये बताना कितना होगा। अगर मैं इसमें एक बात को एक्सप्लेन करता हूं तो आपको पता है ये तो 10 40 ही है, और ये 10 40 इंटू कोट 90 कितना हो जाएगा? 10 40 इंटू में 10 50 ही लिखता हूं, सॉरी। तो यहां पर आपको पता है 10 आ जाएगा, और 90 माइनस 40 और 10 90 दिखती है, तो ये कोट आ गया, ये कोट 40 और 10 40 कोट 40 आपस में कितना हो जाएगा 1। तो मतलब आपको एक चीज समझ में आई कि मल्टीप्लीकेशन के केस में इनका जोड़, मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर जोड़ 90 हो जाए तो उस पेयर का मान एक हो जाना है। मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर जोड़ 90 हो जाए तो उस पेयर का मान एक हो जाना है। बोलो भैया। आपने बोला जी सर। जैसे अगर मैं आपको यहां से क्वेश्चन दूं 10 10 20 10 30 10 80 और आपको बताना है इसका रिजल्ट कितना आएगा। आपको पता है 10 और 80 90 हो जाएगा, 20 70 90 हो जाएगा, 30 60 90 हो जाएगा, जहां 90 हो जाए उस पूरे पेयर का मान आपको कितना रखना है 90 रखना है, उस पूरे पेयर का मान आपको 90 रखना है, ठीक है। आप यही सेम केस आप कोट के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे कोट 5 इंटू कोट 10 इंटू कोट 15 ऐसा करते 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 कोट 85 यानी कितना बन जाएगा 1। अब अगर मैं बात करता हूं जैसे थोड़ा सा थोड़ा बहुत बदल के भी पूछना सकता है, जैसे 10 10 प्लस अल्फा अगर इसका केस बनेगा तो आपको पता है कि ये वाला पेयर और ये वाला पेयर 90 हो गया, और जहां 90 हो जाए तो आंसर वही आना है, एक हो जाना है। तो मल्टीप्लिकेशन में केस किसका आएगा, एक 10 का एक कोट का, दोनों ये केस आएंगे मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब देखो जी, जैसे अगर मैं आपको सामने क्वेश्चन बोलूं, आपको दे दिया साइन स्क्वायर थीटा या 10 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 80 डिग्री,
आपको ये दे दिया, आपको इसका सोल्यूशन निकालना है। अब आपको इस बात का पता है कि यहां तो आप ये लिख लोगे साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर इसको आप लिख लोगे 90 माइनस 10 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 90 के साथ आ जाएगा कोस स्क्वायर 10, और साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तो हो गया कंप्लीट अगर आपको निकालना, लेकिन इतना वक्त है किसके पास, ऐसे कोई करेगा तो आपको जीत पाएगा ही नहीं। और हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी जीत की, तैयारी हार की नहीं, तैयारी जीत की। तो भाई मेरे, जब भी आपको लगेगा कि जिन दो पेयर का जुमान, जिन दो पेयर का जोड़ 90 हो जाए, उसको एक लिख लो, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा होता है तो ये साइन कोस में आएगा, क्योंकि प्लस वाला एक चीज है तो साइन कोस में ही रहेगी ये चीज। तो जैसे अगर मैं आपको ये बोलूं, यहां आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसका डायरेक्ट आंसर कैसे आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स, इसका डायरेक्ट आंसर कितना आएगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय जितने टर्म है उनको गिन लो और दो से भाग कर दो, जितने टर्म है उनको गिन लो और दो से भाग कर दो, खत्म करो जी बात को। जैसे जैसे भाई मेरे, देखो ना, जैसे अगर मैं आपको अभी करवा के अभी सारी पॉसिबिलिटीज पर बात करता हूं, हाफ करना है, ओड हुआ तो क्या हुआ, ओड का आधा फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ गया उसे। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसा करते 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 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 80 डिग्री। तो मुझे पता है 10 है, 20 है, 30 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8, 8 डिजिट आ गए। अरे 8 डिजिट आ गए तो आंसर मेरा कितना बनेगा, 8/2, 8 डिजिट आ गए तो आंसर मेरा कितना बनेगा, 8/2, तो मतलब मेरा आंसर कितना, 8/2, तो आंसर मेरा कितना 4। बोलो भैया बात अगर आपको क्लियर है, आप बोलेंगे जी सर। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसा करते 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 साइन स्क्वायर 89 डिग्री, इसका आपको आंसर निकालना क्या आएगा। तो पता है नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड आउट की जाती है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का एक गजब तरीका है। पहली टर्म के साथ कौन सा 90 बना रहा है, पहले उसको चेक करो, क्योंकि पीछे 90 भी तो हो सकती है। पहली टर्म के साथ क्या जोड़ की 90 बन जाए, ये इसकी लास्ट टर्म है, तो हमेशा ध्यान रखो लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस, लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस। तो देखो इनका डिफरेंस हो गया ये वाला, तो लास्ट टर्म कितनी है 89 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, और 89 बाय 1 टोटल कितनी टर्म हो गई 89, ये 89 तो टर्म हो गई, और 89 टर्म को 2 से भाग कर दो तो भैया मेरे आंसर कितना बन जाएगा, 4, 4, 1, 2, आंसर आ जाएगा 44 सही 1/2। बोलो अगर बात क्लियर है, और मुझे बिल्कुल प्योर उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करना है। चलो 3-4 क्वेश्चन कराते हैं, चीजें आपको फिर समझ में आएंगी। जैसे अगर मैं आपको ये कह दूं साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 6 डिग्री, ऐसा करते 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 साइन स्क्वायर 88 डिग्री, ये आपको बताना है। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 2 है, और जो डिफरेंस है ना, एक चीज का और ध्यान रखना, जो डिफरेंस होना वहीं से चीज शुरू होनी चाहिए, स्टार्टिंग हमेशा डिफरेंस से हो, ये बात मैं लिख देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। सर ये बात समझ नहीं आई, 3-4 क्वेश्चन को सब कुछ समझ आएगा, इतना शानदार क्वेश्चन कराने वाला हूं आज 3-4 को। स्टार्टिंग टर्म मस्ट बी डिफरेंस इक्वल टू डिफरेंस। देखो जी इनका डिफरेंस कितना है, सर 2, और शुरू कहां से है, 2 से है, फिर सब कुछ सही है, शुरू 2 से नहीं होगा तो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्वेश्चन आज तक ऐसे ही इतिहास में, सीरियस इतिहास में पूछा ही नहीं गया है। तो इसने क्या बोला, 88 डिवाइडेड बाई 2, तो टर्म कितनी बनी, सबसे पहला काम है टर्म बनी 44, 44 को डिफरेंस से भाग दे दो, 44 बाई 2 टोटल कितना बन जाएगा 22, 44 बाई 2 टोटल कितना बन जाएगा 22, बताओ। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं कोस स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू कोस स्क्वायर 85 डिग्री, तो आपको पता है इनका डिफरेंस कितना है, आप बोलेंगे सर डिफरेंस तो 5 है, इस डिफरेंस से ही कहानी शुरू हो रही है, बस सब कुछ सही है, फिर लास्ट टर्म को इस 5 से भाग कर दो, कितना बच गया 17, 17 को 2 से भाग कर दो, कितना बच गया 8.5। थकान हुई क्या, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 2 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए तो अपन ब्रेक ले लेते हैं। बोलो भैया अरे हाँ या ना तो बोल दिया करो, तो चलो 1 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट का ब्रेक है, ठीक है 2 मिनट के ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होती है, मैं आता हूँ तब तक पानी वगैरह पी के। नहीं बनेगी बात, देखो इसका डिफरेंस कितना है 5, तो सबसे पहला आंसर बच्चा क्या देगा, 75 में से 5 से भाग करेगा तो ये आएगा 15, और वो 15 को भाग देगा 2 से तो ये आएगा 7.5, और ये गलत हो जाएगा। सर अभी तो आपने बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स को आधा करना है, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, मैंने सही बताया था कि नंबर ऑफ टर्म्स को आधा कर दो ये हो जाएगा,
अब अगर नंबर ऑफ टर्म्स को आधा कर दिया, मैंने इस बात को देखा कि ये जो 15 है ये 15 टर्म है तो नहीं, मैंने अभी ये बताई थी स्टार्टिंग टर्म मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस। ये अभी इस बात का देखो, डिफरेंस एक था तो स्टार्टिंग टर्म भी एक है, डिफरेंस दो है तो स्टार्टिंग टर्म भी दो है, डिफरेंस मेरा 5 है तो स्टार्टिंग टर्म भी 5 है। यहां डिफरेंस मेरा 5 है लेकिन स्टार्टिंग टर्म ना तो 5 आपके पास है, अब 5 के बाद 5 के डिफरेंस पे 10 आएगा वो भी नहीं है, 15 सीधी तीसरी टर्म है, पहली दो टर्म गायब है, 5 भी नहीं है 10 भी नहीं है, सीधी 15 है, सीधी थर्ड टर्म है, तो मतलब ये दो टर्म यहां से गायब हो गई, और 15 में से अगर दो टर्म गायब हो गई तो कितनी टर्म है भैया मेरे 13, और 13 टर्म है तो 13/2 और 13/2 तो मेरा आंसर मेरा कितना बन जाएगा 6/1/2। क्या अब कहानी समझ में आई? क्या आप बोलेंगे जी सर अब समझ में आई कि ये डिफरेंस वाली क्या बात थी। ठीक है, आओ अगला नंबर क्वेश्चन। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 15 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री, ऐसा करते 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 cos स्क्वायर 80 डिग्री 85 तक या 80 तक, 80 तक इनका डिफरेंस आ गया 5, 80/5। लेकिन 16 टर्म नहीं है, 5 से शुरू तो 5 गायब है ना, तो एक टर्म गायब है 16-1। समझ आ गया होगा आप सभी को ही मैंने क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे अगर मैं कोस के ऊपर एक क्वेश्चन और करा दूं आपको, कोस स्क्वायर 4 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 6 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 8 डिग्री, ऐसा करते 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 कोस स्क्वायर 86 डिग्री। बताओ डिफरेंस कितना है? दो, तो 86/2 तो मतलब आएगा 43, लेकिन 43 टर्म नहीं है भैया, टर्म कितनी है एक घर माइनस कर दो 42 टर्म है, और 42/2 21। बोलो जी बात अगर आपको क्लियर हुई तो। अब आगे बढ़े, मुझे लगता है आपका कंसेप्ट ये बिल्कुल क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चीज पर आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि किसी ट्रायंगल के तीन कोण हैं ए प्लस बी और प्लस सी और इज इक्वल टू है 180 डिग्री, एबीसी 180 डिग्री है। अगर मैं आपको ये कह दूं ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, मैंने क्या किया? हाँ लकी सर बिल्कुल कह सकते हो। इसके बाद मैंने क्या किया? डिफरेंस सेम नहीं हो तो नहीं, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा डिफरेंस सेम के आएंगे, विदाउट डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी रहे, इतनी टर्म आएंगी कि आपको फिर वैल्यू याद होनी चाहिए, फिर वो यहां वैल्यू ऐसी आएंगी भाई मेरे कि आपको याद होनी चाहिए, फिर पेयरिंग वो ज्यादा इतनी लंबी लंबी सीरीज नहीं आ सकती, फिर समझ गए आ तो सकते हैं 30 आए 60 आए 45 आए 0 आए 90 आए, तो वैल्यू याद होनी चाहिए आपको क्योंकि वैल्यू को जोड़ जोड़ करती थी, ऑब्जेक्टिव पेपर है। अब ए प्लस बी माइनस सी कर दिया, अगर मैं इधर से भी 2 से भाग कर दूं या जाएगा 90-c/2 नहीं, यहां तक कोसेकेंट को 10 कोट में ही या तो मल्टीप्लाई करके 10 कोट में एडिशन करके साइन में सेकंड कोसेक में नहीं होता ये वाला, बिल्कुल कंप्लीट करा रहा हूं। उसके अलावा अगर जो चीज नहीं है तो वो मैं लिखूंगा ही नहीं, ठीक है ना। इसको मैंने अभी लिख लिया ए प्लस बी बाई, दोनों तरफ अगर मैं साइन अप्लाई कर देता हूं साइन ए प्लस बी बाई, तो यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा साइन इज इक्वल टू आ जाएगा कोस सी बाई, या अगर मैं आपको ये बोल दूं 10 ए प्लस बी बाई कोस सी बाई, या अगर मैं आपको ये बोल दूं सेकेंट बी प्लस सी बाई टू, तो जो एंगल बच गया कोशक ए बाई, मतलब किसी ट्रायंगल के अंदर अगर इस तरह की कोई चीज आती है तो आप उसको ऐसे करके देख सकते हैं। समझ आ गई बात? आपने बोला जी सर, तो चलो मुझे पता है साइन थीटा इज इक्वल टू कोश टू थीटा, तो आपको थीटा का मान आपको बताना है क्या होगा। तो आपने देखा कि साइन अगर कोस के बराबर है तो ये तभी हो सकता है थीटा प्लस टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, और थीटा इज इक्वल टू कितना डिग्री हो 30 डिग्री। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं टेन टू थीटा इज इक्वल टू 43 थीटा, तो थीटा का मान बताओ भैया क्या होगा। टू थीटा थ्री थीटा फाइव थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब रेसिप्रोकेट उसके सामने हो, कन्वर्जन उसके सामने हो, साइन किसमें कन्वर्ट होता है कोस में, जब एक दूसरे के कन्वर्जन उसके सामने हो तो हमेशा ध्यान रखो दोनों के साथ रखे हुए कोणों का जोड़ 90 डिग्री होगा, तो 5 थीटा अगर 90 है तो थीटा इक्वल टू कितना है 18 डिग्री।
अब जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं, टेन टू थीटा इंटू में टेन थ्री थीटा आपको बताना है ये क्या हुआ, टेन टू थीटा इंटू टेन थ्री थीटा। आपको पता है कि अगर ये 1 के नीचे इधर जाएगा कोई भी चीज, अगर ये 1 अपॉन 10 होगा, 1 अपॉन 10 क्या कोट के बराबर नहीं आएगा, क्या 1 अपॉन 10 कोट के बराबर नहीं आएगा, आप बोलेंगे सर आएगा, तो क्या 10 थीटा कोट थीटा के बराबर नहीं होगा, आप बोलेंगे सर हो गया, तो इसका मतलब आपस में रेसिप्रोकल के बराबर, तो मैं कई बार इधर देने की बजाय मैं इसको इधर दे देता हूं 10 के केस में, 10 का उल्टा भी कोट होता है, लेकिन जो ये मल्टीप्लाई वाला जो केस आएगा ना, ये ध्यान रखो बस, मनी मन में कोशिश करो, मनी मन में घुमा दो तुरंत, 1 अपॉन 10 और 1 अपॉन 10 किसके बराबर आएगा कोट के बराबर, तो 2 थीटा 3 थीटा 5 थीटा 5 थीटा किसके बराबर, 90 डिग्री। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं साइन थीटा तो आपको इस बात का पता है कि साइन थीटा और सेकेंट थ्री थीटा, अब ये सेकेंट अगर इधर जाएगा तो ये 1 अपॉन सेकेंट और 1 अपॉन सेकेंट किसके बराबर, कोस के बराबर, तो साइन और कोस एक दूसरे के कन्वर्जन, जब एक दूसरे के कन्वर्जन एक दूसरे के सामने हो तो थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो 4 थीटा इक्वल टू 90 है और 4 थीटा 90 है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है 22, बराबर कितना हो जाएगा 22। आगे बढ़े, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं मुझे इस बात का पता है कोटोटेन एक दूसरे के कन्वर्जन है, एक दूसरे के कन्वर्जन अगर है तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं x माइनस 40 प्लस का 50 माइनस y इज इक्वल टू 90, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं x माइनस y इज इक्वल टू 80, x प्लस y इज इक्वल टू 90, y से y कैंसिल तो x इज इक्वल टू 85, और x 85 के बराबर है तो y कितने के बराबर हो जाएगा 5 के, x 85 के बराबर है तो y कितने के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, y x 85 के बराबर है तो y कितने के बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा। बोलो भैया बात अगर क्लियर हुई तो, छोटी छोटी बातें आपको बिल्कुल तरीके से क्लियर हो रही हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं साइन थीटा या साइन टू थीटा, तो थीटा का मान आपको बताना है क्या, साइन टू थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टू साइन थीटा कोस थीटा और इज इक्वल टू टू कोस थीटा, टू कोस थीटा से टू कोस थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू 1, और साइन थीटा अगर 1 हो गया तो यहां से स्पष्ट समझ में आएगा कि थीटा इक्वल टू 90। कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 और साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ए एंड बी ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव, अगर ए और बी पॉजिटिव है तो आपको इस बात का पता है कि कोस ए माइनस बी, अगर मैं बात करूं ए माइनस बी अगर मैं बात करूं तो कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री, और साइन की अगर मैं बात करता हूं तो ए प्लस बी अगर मैं बात करूं तो कितना डिग्री हो जाएगा साइन के साथ, तो 30 डिग्री, बस यहीं पे गेम फिनिश हो गया। भाई मेरे जब दो चीजों का डिफरेंस 60 हो, दो चीजों का जोड़ अगर 30 हो, दो चीजों का जोड़ 30 हो, डिफरेंस हो, ये हो, तो बात बनेगी नहीं। जितेंद्र कुमार कैसे आएगा, ऐसे नहीं होता भाई मेरे, जब दो चीजों का डिफरेंस 60 हो और जोड़ 30 हो, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव आ जाएं, तो सर क्या करना पड़ेगा, और जब ऐसा करना पड़ेगा तो आप इसको 30 को छोड़ो, इसको 180 में से घटा लो, साइन के केस में 180 में से घटा लो, क्योंकि साइन है ना, कोस के केस में भी, तो साइन के केस में 30, भाई हम ये नहीं कह रहे कि 30 के ऊपर 1/2 ही होगा, हम ये कह रहे कि 30 पर होगा तो 150 पर भी होगा दोनों ही, सर हमें कैसे पता चलेगा, अरे जब प्लस का निशान है तो वहां संख्या 60 से बड़ी आनी चाहिए, और 60 से बड़ी कब आएगी 30, अब हमें कैसे पता चलेगा, तो वैल्यू याद हो, सर वैल्यू नहीं याद अभी सीख रहे, तो जो भी एंगल आपको याद है 90 से छोटा, जैसे यहां 30 है तो 180 में से घटाओ 150 पर भी वही वैल्यू है, जैसे यहां 40 है तो 180 में से घटाना 140 पर भी वही वैल्यू है, जैसे यहां 70 है तो 180 में से घटाओ 110 पर भी वही वैल्यू है, जैसे यहां 90 है तो 180 में से घटाओ 90 पर भी वही वैल्यू है, तो आपको ये 30 नेगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये छोटा रह गया, और अब आपने अगर देखा तो ये बी से बी का कैंसिल होगा तो ए बराबर कितना आ जाएगा 105, ए बराबर आ जाएगा 105, और ए अगर 105 आ गया तो बी कितना आ जाएगा 45। राम खिलाड़ी भाई 45-15 कैसे आ जाएगा, राम खिलाड़ी पता क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या सोच रहे हो, पूरा सोल्व करके नहीं देख रहे, इस वजह से तुम्हारे साथ दिक्कत आ रही है, मैं तुम्हें पूरा सोल्व करके दिखाता हूं, मैथ की छोटी छोटी बातें गलत करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा भाई मेरे, 2a इक्वल टू 90
तो a बराबर 45 a अगर 45 है तो a plus b equal to 30 है a अगर 45 के बराबर है 45 plus b is equal to 30 है तो b is equal to कितना बनेगा 30 minus 45 और 30 minus 45 से minus 15 आएगा ये minus 15 आएगा और ये minus 15 आएगा ये लाइन खत्म हो जाएगी एंड भी बहुत पॉजिटिव क्या समझ आया भाई तो अब तो मुझे उम्मीद है कि 100% आपको समझ आया होगा कि ये तो बात क्लियर हो गई तो अब यानी कि प्लस वाली चीज का नंबर माइनस वाले से बड़ा होना चाहिए तभी आएगा तो आज हमने यहां तक के क्वेश्चंस को किया और उम्मीद है आपको उसका अच्छा लगा होगा 100% अच्छा लगा होगा तो कल फिर शाम को 6:30 बजे कोई छुट्टी नहीं है कल शाम को फिर 6:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी ध्यान से चीजों को करते रहिए आगे बढ़ते रहिए और बहुत बढ़िया तरीके से काम करते रहिए ठीक है तो चलिए पीडीएफ ओहो आज के लिए तो मैं आपसे माफी चाहूंगा इस चीज के लिए और पीडीएफ तो मैं दिन में भूल गया यार कैसे अपलोड करते हैं मुझे पूछना तो कल मैं इस चीज को पूछता हूं जरूर पूछता हूं मैं कल इस चीज को ध्यान रखूंगा तो चलिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दूसरे बच्चों को बता सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो मैंने बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल जीरो से शुरू किया है मतलब इससे जीरो नहीं हो सकता इससे जीरो मतलब बकवास ही है फिर सबसे जीरो पॉइंट है और जो पेपर में काम की बात है उसको अपन करने लग रहे हैं तो चलिए बाय बाय टेक केयर। कर लिया है तो चलिएगा जी स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को तीन चार चीजें मैंने आपको सिखाई हैं अभी तक कल हम लोगों ने बहुत ही बढ़िया सीरीज वाला पैटर्न को पढ़ा था बिल्कुल बेसिक से इससे बेसिक कुछ नहीं हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए दी बेस्ट क्लास है क्योंकि हाई लेवल वाली चीजों को बाद में चलेंगे पहले मैं आपको चीजें सिखा दूं आपको थोड़ा सोचना सिखा दूं उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे तो आइएगा भाई मेरे चीजों को स्टार्ट करते हैं इंपोर्टेंट चीज को समझना एक टाइप समझाता हूं मैं आपको डायरेक्टली जैसे कि मैं आपको ये बोल दूं पहला क्वेश्चन tan थीटा प्लस secant थीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस वन इसका मुझे आंसर निकालना है क्या होगा पहले मैं आपको बेसिक से सिखाऊंगा ध्यान से सीखना पहले 4-5 मिनट और फिर मैं इसका शॉर्टकट सिखाऊंगा जैसे मैं चार क्वेश्चन लिख देता हूं पहले ये चार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सेकंड नंबर आपसे पूछता है cot थीटा प्लस cosec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot थीटा माइनस का cosec थीटा प्लस 1 सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे पूछता है cos थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस वन कोस थीटा प्लस का साइन थीटा माइनस वन और क्वेश्चन नंबर चार ये चार क्वेश्चंस का बेसिक्स के साथ हम सीधा शॉर्टकट पढ़ेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस एक इसका आपको बताना है क्या होगा तो चलिएगा पहला नंबर चीज पर आते हैं सबसे पहले ध्यान से सुनना बात को अच्छा मुझे इस बात का पता है इस वाले वन की जगह पर मैं क्या लिख लूंगा ये तो मेरा टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा है माइनस में ये आ जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस अब आपको पता है सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इसको अपन क्या लिख सकते हैं अगर आपको इस बात की जानकारी है इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा अगर आपको इस बात की जानकारी है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा और आपको इस बात का पता है कि सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा को मैं बाहर को मान लेता हूं जैसे ये भी अंदर है अंदर यहां भी है तो सेकंड थीटा टेन थीटा को मैं बाहर को मान लेता हूं सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा को मैंने ले लिया कॉमन तो ये कितना बन गया वन माइनस सेकंड और माइनस प्लस टेन थीटा टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस तो मुझे इस बात की समझ है कि ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा आपने बोला जी कट जाएगा और अगर ये कट गया तो अब आपके पास बच गया है सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा
अब आपने एक बात देखी, सारी चीजें कटपिट होकर क्या बचा, जो ये शुरू में लिखा हुआ था ना, सारी चीजें कटपिट होकर ये बचा, सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, बोलो भैया ये बचा कि नहीं बचा? आप बोलेंगे जी गुरु। अच्छा सेकंड थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाई कोस, वन अपॉन कोस, और साइन थीटा, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कोस, नीचे तो कोस आ गया, तो इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, वन प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतनी सारी राम कहानी को करने की बजाय आपका डायरेक्ट आंसर पता क्या होता है, जो ये पहले दो अक्षर है ना, यही तो आपके आंसर है, आप इसको सारे को करो ही मत ना। ये सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा जब भी केस आता है, ये कौन सी आइडेंटिटी के ऊपर केस है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू वन होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। तो इसीलिए अगर मैं इसका सोल्यूशन निकालू तो आपको इस बात का पता है, इसका सोल्यूशन निकालने पर कोस थीटा प्लस कोस थीटा, और कोस थीटा कितना था, कोस बाई साइन, ये वन बाई साइन, तो वन प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। बोलो डायरेक्ट आपको आंसर आया क्या, क्या समझ आई बात, मैंने डायरेक्ट क्या बोला है, इस सारी चीज को सोल्व करके आएंगे तो लास्ट में आना यही है, जो ये पहली दो टर्म है ना, लास्ट में आना यही है। अगले नंबर, जिस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के तहत जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ नेगेटिव साइन हो उससे डिवाइड करो। जब भी आपका साइन कोस का केस आता है, क्योंकि पिछले वाले दो केस में ऐसा क्यों नहीं था, क्योंकि देखो ये तो ऑलरेडी नेगेटिव वाली साइन है, कोसेकेंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर आइडेंटिटी होती है, सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर आइडेंटिटी होती है। तो यहां पर अगर मैं देखता हूं, अगर मैं साइन से भाग दे लेता, मुझे पता चला अगर मैं साइन से भाग दे लेता हूं, तो कोस बाई साइन, जिसके साथ माइनस का साइन है, कोस बाई साइन कितना हो जाएगा, कोट, साइन से भाग देना वन बाई साइन कोशेक, और साइन बाई साइन माइनस का वन, कोस बाई साइन कोट, वन बाई साइन माइनस का कोशेक, और साइन बाई साइन वन। तो क्या ये यही क्वेश्चन नहीं बन गया, आप देखो कोट प्लस कोशेक माइनस वन, कोट माइनस कोशेक प्लस वन, कोट प्लस कोशेक माइनस वन, कोट माइनस कोशेक प्लस वन, ये सेम क्वेश्चन नहीं बन गया, और इस सेम क्वेश्चन का जो आंसर आना है वो आपको पता ही है, इस सेम क्वेश्चन का आंसर कितना है, कोट थीटा, सेम क्वेश्चन का आंसर आना है कोट थीटा प्लस कोशेक थीटा। अच्छा मुझे बताओ फिर से भाई, जब भी साइन कोस के साथ ये बात हो तो आपको क्या करना है, कोस से डिवाइड कर दो, साइन बाई कोस टेन थीटा, तो वन बाई कोस सेकंड थीटा माइनस में कोस बाई कोस एक, कोस से डिवाइड कर दो, साइन बाई कोस टेन थीटा प्लस का एक माइनस का सेकंड थीटा, और क्या इसका आपको केस याद है, सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा ही तो आता है। सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा ही तो है, अरे बोलो भैया आया ना। तो जब भी ये साइन कोस वाला केस आ जाए तो आपको कैसे करना है, साइन कोस का केस आ जाए तो इसका ध्यान रखना है, और इसके अलावा अगर केस है तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, ये बात आपको होनी चाहिए। चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टाइप, ये छोटे छोटे पैटर्न है, ये चार क्वेश्चन का ये पैटर्न था, एक और सिखा रहा हूं मैं आपको। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं, क्वेश्चन नंबर वन, वन प्लस कोट थीटा माइनस का कोशेक थीटा, वन प्लस टेन थीटा प्लस का सेकंड थीटा, वन प्लस टेन थीटा कोशेक थीटा, वन प्लस कोट अड़तालीस माइनस सेकंड बयालीस, वन प्लस टेन फोर्टी एट प्लस कोशेक बयालीस, और एक अगर ये आ जाए, वन प्लस टेन सत्रह माइनस कोशेक तेईस इंटू में वन प्लस कोट सत्रह प्लस सेकंड तिहत्तर, ये आपको बताना है। मतलब क्या है, पूरे क्वेश्चन में टेन कोट सेकंड कोसेक दोनों के दोनों नेगेटिव वाले फंक्शन, साइन और कोस तो पॉजिटिव वाले फंक्शन है ना, आइडेंटिटी याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है प्लस, और जो ये नेगेटिव वाले फंक्शन है इनमें क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, वन होता है कि नहीं होता है, अब आप बोलेंगे जी सर। तो मतलब ये है कि जब भी आपको ये जो माइनस वाले फंक्शन आपको मिल जाए और दोनों के दोनों एंगल्स या तो आपको बराबर देगा, बराबर का मतलब ये होता है 45 45 मानकर मैं सेट कर सकता हूं, आप एक बार जब इस तरह केस आता है ना, तो 10 का उल्टा कोट रिप्रेजेंट होता है, तो आप यहां पर किसी भी क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू 45 मान के देखो आंसर वही आएगा। चलो जी मैं क्वेश्चन में करके दिखाता हूं ऐसा क्यों मानते हैं, जब भी आपका रेसिप्रोकल का केस आता है आपको थीटा इक्वल टू 45 ही मानना होता है। तो जैसे कोट 45 कितना देगा, 1 प्लस 1
माइनस में कोसेक 45 कितना हो जाएगा, कोसेक 45 हो जाएगा रूट टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस रूट टू, 1 प्लस 1 प्लस रूट टू, तो ये 2 प्लस रूट टू, ये 2 माइनस रूट टू, ये 2 माइनस रूट टू, 2 प्लस रूट टू, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 2 गया, अल्टीमेट मेरा रिजल्ट कितना बना, 2 बना। तो मतलब जो जितने भी ये क्वेश्चन हैं, कोट सेकंड देखो, एक बार कोसेक माइनस में, एक बार सेकंड माइनस में, कोसेक माइनस में, तो मैंने आपको ये बता दिया कि साइन कोस को छोड़कर जब भी चारों फंक्शन आ जाएं और एंगल का मान 90 डिग्री हो रहा हो, एंगल का मान 90 डिग्री हो रहा हो, तो एंगल का मान अगर 90 डिग्री हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, एक और एक दो करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इक्वल टू आ गया दो, इसका मतलब इक्वल टू आ गया दो, और इसका मतलब है इक्वल टू आ गया है दो, आंसर मेरा आ जाएगा दो, दो और दो। नीचे तो नहीं है ना, अरे ये गलती से लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक आपने ये सही पहचान लिया, नहीं तो ऐसे ही चला जाता, तीसरा तीसरा 17 90 हो गया ना। इस तरह के केस में प्रूफ करने को आप थीटा इक्वल टू 45 रखकर भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, ये कुछ चीजें याद रखने वाली हैं, जैसे साइन कोस में यहां माइनस वाले से भाग किया, माइनस वाले से भाग किया, कोट कोसेक में सीधा आएगा, क्योंकि कोट कोसेक और सेकंड टेन में सीधा इसलिए आता है क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस वाला बैठा है, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बात समझ में आ रही है क्या, बात समझ में आ रही है क्या, तो ये आ जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, छोटी सी बात थी आपको पता हो गई है, नेक्स्ट नंबर बात पर आगे बढ़ते हैं। थ्री साइन थीटा प्लस फोर कोस थीटा इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू पांच। आइडेंटिटी नंबर, आइडेंटिटी पर क्वेश्चन है, कौन सी आइडेंटिटी पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, आइडेंटिटी दिस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, आइडेंटिटी दिस। तो आपको पता है थ्री साइन थीटा प्लस फोर कोस थीटा इक्वल टू फाइव है। मैं क्या करूंगा, आपको कोई भी चीज को पूछ लेगा, पहली चीज उसने आपसे पूछी, अब चार कर लिया, फोर साइन थीटा माइनस थ्री कोस थीटा, और ये आपसे उसने पूछा है, पहला रिजल्ट ये पूछता है, फर्स्ट टाइप चीज ये पूछता है, ठीक है, देखना। आपको पता है कि साइन थीटा और कोस थीटा पर जितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, उस हर क्वेश्चन को करेंगे, लगभग सवा घंटे में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ध्यान से समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो पहले बेसिक बता देता हूं कि किसी बच्चे को ये ना लगे कि हमें डायरेक्ट याद करना पड़ रहा है, मैं अगर पहली लाइन का स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर, क्योंकि मेरे को पता आइडेंटिटी साइन और कोस के साथ आइडेंटिटी होती है स्क्वायर वाली, स्क्वायर, तो मैंने पहली चीज का स्क्वायर कर दिया, तो तीन का स्क्वायर किया तो नाइन साइन स्क्वायर थीटा, चार का स्क्वायर किया तो 16 कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 गुना 3 गुना 4 तो दिया चुका 24, 24 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अगर अगली मैं बात करता हूं तो 4 का स्क्वायर 16, 16 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 कोस स्क्वायर थीटा, माइनस में 3 गुना 6 चुका 24 साइन थीटा कोस थीटा, और अगर मैं इसको अपनी तरफ से एक्स मान लेता हूं तो भाई मेरे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, जोड़ दिया मैंने, अगर इन दोनों को जोड़ देता हूं ऐड, ऐड, तो ये तो कट गया 9 और 16 25 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 16 और 9 25 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 25। अब इसको मैं ना यहां कुछ अलग बदल देता हूं, नहीं तो 0 आएगा, 0 में फिर प्लस माइनस वाला साइन आपको ध्यान नहीं रहेगा, तो मैं ऐसा कर देता हूं, एक बार के लिए मैं इसको 4 मान लेता हूं, एक बार के लिए, आप मानने को 5 भी मान लो तो 0, लेकिन आप ऐसा फिर प्लस माइनस में फंस जाओगे, फिर वो कांसेप्ट नहीं सीख पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा इसको बदल दिया 4 का स्क्वायर 16, और इधर बनेगा भैया मेरे 16 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आप बोलेंगे सर ये 1 है, इसको अगर इधर लेके जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा कि नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आएगा, 9 आएगा, तो एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा भाई मेरे प्लस माइनस 3, एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा भाई मेरे प्लस माइनस 3। ये होगा इसका नॉर्मल तरीका, बेसिक, लेकिन आपको एग्जाम की क्या अप्रोच रखनी है वो सीखना है। तो एग्जाम अप्रोच क्या कहती है, एग्जाम अप्रोच हमें ये बोलती है 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा, या एग्जाम अप्रोच हमें 3 की जगह ए लिखता हूं, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी है। अब जरूरी नहीं कि आपको कोस ही माइनस में करना, आप साइन भी माइनस में कर सकते हैं, माइनस में दोनों में से कोई भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कोस भी हो सकता है। तो जैसे अगर मैं बोल दूं बी कोस थीटा माइनस में ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है डी, ए स्क्वायर, अब साइन और कोस देखिए आप तो इस नंबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करो आप तो साइन कोस देखते ही, कुछ नहीं सोचना, साइन कोस के देखते ही आप तो डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करो, बोलो भैया, ठीक है। तो मैंने इस बात को समझ लिया कि जब भी, अच्छा फिर ध्यान रखो मैं फिर बता रहा हूं, देखो मैंने क्वेश्चन जो दिया माइनस कोस में दिया है और याद दिया तो साइन माइनस में दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना साइन माइनस में कि कोस माइनस में, फर्क कतई नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई है। तो यहां पर आप डायरेक्टली बेसिस पर काम कर सकते हैं, जैसे अगर मैंने क्वेश्चन दिया एक्स बाई ए साइन थीटा प्लस वाई बाई बी कोस थीटा इज इक्वल टू 5, y by b sin theta माइनस में x by a cos theta, ये चीज आपको निकालनी है क्या होती है,
एक आपको नेगेटिव देगा तो पॉजिटिव पूछेगा, पॉजिटिव देगा तो नेगेटिव पूछेगा, ऐसे ऐसे है मेन बात। मेन बात आप समझ लो, सुनील आपका डाउट का पूरा मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आपको या तो नेगेटिव वाला हिस्सा देगा या तो पॉजिटिव वाला हिस्सा देगा। जब भी आपके सामने साइन कोस की बात आ जाए तो क्या कर देना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर बाई, इसको अगर मैं एम मान लूं तो एम स्क्वायर, तो आपको इस बात का पता ये कट जाएगा और ये कट गया तो ये इक्वल टू आ गया और एम इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस का 25। बोलो भाई समझ आ गया। साइन और कोस के ऊपर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है मैं आपको वो सारी ही चीज बता देता हूं। करके देखना आपको, ए प्लस बी कोस थीटा प्लस में ए माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 3 है, तो ए माइनस बी कोस थीटा माइनस में ए प्लस बी साइन थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो आपको बताना है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और इसका बताओ, शाबाश बताओ। देखते हैं, एक मिनट का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, इस एक मिनट में आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना है। कोई कितना ही कह रहा है, कोई कितना ही कह रहा है। आपको पता है कि जब भी कोस और साइन होता है तो पहले वाले का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर और साथ में जो दूसरे वाला है जो साइन लगा रखा है उसका स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये आपको पता है कि ये कितना बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 और 25 34, 2 से कटेगा कितनी बार 17 बार, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 17। बोलो भैया अगर बात क्लियर। इसके अलावा जिस भी बच्चे का जो भी आंसर था गलत था। P sin theta plus Q cos theta is equal to 2. बताओ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको इस बात का पता है कि जब भी साइन और कोस हो, एक चीज प्लस में गिवन है आपको माइनस में चाहिए, तो आपको सीधा सा गेम क्या रखना है, पी का स्क्वायर प्लस में क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर की जगह पर आपको 5 लिख दिया और साथ में ये 1 आ गया और 5 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। मुझे बताओ ये बात अगर आपको बिल्कुल क्लियर करना है, अगर बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये बात आ गई है तो बोलो भैया हाँ या ना। आप बोलेंगे जी सर। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं, अभी चलो बेसिक क्वेश्चन कराते हैं, साइन थीटा कोस थीटा के ऊपर आगे बढ़ते हैं। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। 10 साइन की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू कितना है 6, तो आपको ये आंसर हमको बताना है 27 कोसेक की पावर 6 थीटा प्लस 8 सेकंड की पावर 6 थीटा, और ये आपको आंसर बताना है क्या होगा। ध्यान से चीज को समझना, मैंने अभी अभी बताया कि साइन और कोस के देखते ही तो कहानी बिल्कुल फिक्स है, क्या साइन और कोस के देखते ही कहानी बिल्कुल फिक्स है कि आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बनाना होता है। तो यहां तो एक तो ये टाइप थी, ये टाइप थी, अब इसकी सेकंड टाइप आ गई ये वाली। इसमें गिवन एक ही थी, पावर एक गिवन था माइनस वाला चाहिए था, पावर एक गिवन था कोस की पावर देखो एक है माइनस वाला चाहिए था, प्लस वाला गिवन था माइनस वाला चाहिए था, प्लस वाला गिवन था माइनस वाला चाहिए था, प्लस वाला गिवन था माइनस वाला चाहिए था। क्या बात समझ में आ गई पहले कि गिवन क्या है और चाहिए क्या है। अरे हाँ या ना, आप बोलेंगे सर हाँ।
अब ये नेक्स्ट बात आ गई, नेक्स्ट चीज, बिल्कुल टाइप वाइज चीजें, बिल्कुल सेपरेट सेपरेट है, एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपने पूरा कर लिया। अब देखो जी, अब प्लस का है और मुझे माइनस वाला नहीं चाहिए, मुझे कुछ और ही चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इधर से मैंने 6 को इधर कर दिया, इधर मेरे को 1 बनाओ। सबसे पहले जब भी ऐसा केस आ जाए कि प्लस ये माइनस गिवन, मतलब प्लस दे रखा है माइनस चाहिए, तो कहानी लगती है, अभी कहानी लगा है, इस 6 को नीचे ले आओ, और इस 6 को अगर आपने नीचे ले आई तो 10 बाई 6, और इसको मैं अपनी तरफ से लिख लेता हूं sin² थीटा और इनटू में sin² थीटा प्लस 15 बाई 6 cos² थीटा और इनटू में cos² थीटा और इज इक्वल टू कितना है 1 है। मुझे इस बात का पता है कि भाई मेरे इसको छोड़ दो, इसको एक बार के लिए हटा दो, तो sin² थीटा बच गया, और इसको भी एक बात के लिए हटा दो, फिर cos² थीटा बच गया, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू कितना हो गया 1, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया भाई मेरे 1। बात समझ में आ गई? आपने बोला जी सर, अगर sin² थीटा अकेला रखना है यहां पर, इसके अलावा वाली कोई चीज मुझे नहीं रखनी, सिर्फ sin² थीटा मुझे अकेला रखना है, इसके अलावा वाली मुझे कोई चीज नहीं रखनी, तो इसके साथ जो भी कोई बैठा हो उसको एक मान लिया। कांसेप्ट सुनो, जब मुझे सिर्फ ये रखना है, इसके अलावा मुझे कोई चीज नहीं रखनी, तो इसके साथ जो भी बैठा हो इसको एक मान लो, तो आपने इसको एक मान लिया। जब मुझे रखना ही सिर्फ ये है, इसके अलावा कोई चीज नहीं रखनी, तो आपने सीधा इसको एक मान लिया। 5/3 5/3 sin² थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो sin² थीटा इज इक्वल टू 3/5 sin² थीटा इज इक्वल टू 3/5 यहां पर आ जाएगा 5/2 cos² थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो cos² थीटा इज इक्वल टू, या आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको चाहिए कुछ और है ना, cosec चाहिए, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, sin को नीचे ले जाओ, sin को नीचे ले जाओ, sin को नीचे ले जाएंगे तो cosec बन गया ना, cosec² थीटा इज इक्वल टू कितना चाहिए 5/3। और अगर मैं यहां से देखता हूं cos को नीचे ले जाओ, cos को नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा secant² थीटा इज इक्वल टू 5/2। क्या यहां तक की बात क्लियर हो गई? आपने बोला जी सर, और अगर यहां तक की बात क्लियर हो गई तो अब मैं आपको ये कहता हूं, इस cosec की पावर को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 27 को तो मैं बाहर रख लूं, और ये cosec² ये पावर कितना प्लस 8 secant² की पावर कितना 3 दुनी 6 तो होता है, 3 दुनी 6 तो होता है, तो cosec² cosec² की जगह मैं कितना रख सकता हूं 5/3, ये तो 27 तो है, और अगर आप 5/3 रखेंगे तो 5 का क्यूब 125 125/27 प्लस में 8 इनटू secant² है, तो मतलब 5 का क्यूब 125 125/8 आपको बताना है 7 cosec की पावर 6 थीटा प्लस 8 secant की पावर 6 थीटा, ये आ जाएगा 1/3। इसका जवाब आपको देना है क्या होगा। तो अब अगर मैं यहां से डायरेक्ट सोचना है मेरे साथ साथ, देखो 2 से भाग देंगे इधर 1 होना चाहिए, इधर 2 से भाग देंगे तो 1 होना चाहिए, आपको पता है कि 2 से भाग दूंगा तो 3 आ जाएगा, और ये sin² थीटा, और इस अलग वाले sin² को छोड़ दो तो 3 sin² थीटा इक्वल टू 1 आ गया, तो 1 तो यानी cosec² थीटा इक्वल टू 3 आ गया। बोलो अगर आप डायरेक्ट यहां तक सोच पा रहे तो cosec² थीटा इक्वल टू 3 आ गया। अरे हां ना, आप देखो ना, ये 3/2 है, cos² अलग कर दो, cos² अलग कर दो, लास्ट वाले cos² को तो सोचना ही नहीं है, तो आपने देखा 1/1 cos² cos² इसके नीचे चला जाएगा, तो भैया मेरे secant² थीटा secant² थीटा किसके बराबर आ जाएगा 3/2 के बराबर आ जाएगा, secant² थीटा 3/2 के बराबर आ गया। तो देखो जी, स्क्वायर की पावर 3 है, स्क्वायर की पावर 3 है, तो स्क्वायर की पावर 3, 3 का क्यूब 27 प्लस में 8 इनटू में स्क्वायर की पावर 3 है, तो भैया मेरे 27/8 27 से 27 कट गया, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 1/3 15 sin q थीटा प्लस 20 cos q थीटा इज इक्वल टू 12 है, तो आपको चाहिए है 10 sin alpha 10 sin theta प्लस 15 cos theta। तो मेरे को तो वही पता है, 12 को नीचे कर दो 5/4, और उस sin square वाला कर दो, जो निकालना है वो sin square साइड कर दो, तो ये आ गया sin theta इज इक्वल टू 1 है पहला केस। सेकंड केस में कर दो 12 को नीचे कर दो, और 12 को नीचे कर दो तो 5/3, उस cos square को साइड कर दो, cos square को साइड कर दो, तो ये आ जाएगा cos theta और इज इक्वल टू कितना आ गया है, तो भैया मेरे sin theta इक्वल टू 4/5 sin theta 4/5 है। आप बस ये देखो रिक्वायरमेंट में sin चाहिए cos चाहिए, sin चाहिए है तो नंबर को इधर ले जाओ, और अगर cos चाहिए तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इधर ले जाओ, तो आपने इस बात को देखा यहां पर कि cos theta इज इक्वल टू 3/5, तो 10 इनटू में sin theta 4/5 प्लस में 15 इनटू में 3/5, 5 से कटेगा 2 बार और 2 चौका 8, 5 से कटेगा 3 बार और 3 दिया 9, और 8 कटेगा कितना 17, तो आंसर कितना आ जाएगा 17। बोलो भैया अगर बात आपको क्लियर हो गई तो, आंसर आपका आ जाएगा 17।
आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको ये कह दूं, मैं क्वेश्चन नोट बोलता हूं आपके लिए, अच्छा क्वेश्चन है वो भी, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। साइन की पावर 4a डिवाइडेड बाई a प्लस कोस की पावर 4a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस b। तो आपको निकालना है साइन की पावर 8a डिवाइडेड बाई a क्यूब प्लस कोस की पावर 8a डिवाइडेड बाई b क्यूब और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये आपको बताना है क्या, आपको इस बात का पता कि उसको मैं उधर ले जाऊंगा a प्लस b डिवाइडेड बाई a स्क्वायर को इसमें से साइड कर दो साइन स्क्वायर a, भाई स्क्वायर साइड करने के बाद बचा कितना और इक्वल टू 1, एक चीज तो ये बनेगी। और अगली चीज फिर वही बन जाएगी a प्लस b डिवाइडेड बाई b और इनटू में कोस स्क्वायर a और इक्वल टू 1। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं साइन स्क्वायर a का माना गया a अपॉन b, साइन स्क्वायर a का माना गया है a अपॉन a प्लस b, कोस स्क्वायर a का माना गया है b अपॉन a प्लस b। तो इसको कर सकते हैं स्क्वायर की पावर 4 और स्क्वायर की पावर अगर 4 करेंगे, इसको आपको पता है स्क्वायर की पावर 4, इसको आपको पता है स्क्वायर की पावर 4 और स्क्वायर की पावर 4 करेंगे तो a की पावर 4 डिवाइडेड बाय a प्लस b की पावर 4 और इनटू में a क्यूब प्लस ये आ जाएगा b की पावर 4 डिवाइडेड बाय a प्लस b की पावर 4 और इनटू में b क्यूब। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, a प्लस b की पावर 4 है तो नीचे बेस में तो a प्लस b की पावर 4 आ गया और ऊपर a प्लस b है, चार से ऊपर वाली एक पावर से नीचे वाली पावर कट जाएगी तो ये कितना बन जाएगा 1 अपॉन a प्लस b की पावर 3। तो 1 अपॉन a प्लस b की पावर 3 आपका आंसर आ जाएगा। बढ़िया तरीके से बोलो अगर आपको ये बात क्लियर है, आप बोलेंगे जी सर ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब अगर मैं आपको बात करूं x साइन क्यूब थीटा प्लस y कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, और मुझे पता है x साइन थीटा माइनस का y कोस थीटा इज इक्वल टू 0, तो आपको बताना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान क्या होगा। आपको फिर से भाई देखो जी साइन थीटा कोस थीटा से भाग देंगे तो ये कितना बन जाएगा x बाई कोस थीटा, क्योंकि साइन से तो साइन कट जाएगा और साथ में साइन स्क्वायर थीटा बच गया, इसको तो हटाई दो ना, साइन स्क्वायर थीटा का कोई मतलब ही नहीं है। अगर अपन इधर फिर मैं इसको इधर लेके जाऊं कर्सर से, देखो साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा से कोस थीटा कट गया तो कितना बन जाएगा y डिवाइडेड बाय कोस थीटा और इनटू में y डिवाइडेड बाय साइन थीटा और इनटू में यहां है कोस स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू 1 आ गया। अब आपको पता है स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो भी चीजें उसको एक बनाना है, स्क्वायर को छोड़कर बाकी जो भी चीजें उसको एक बनाना है, इसको अगर एक बना लूंगा तो x / cos θ = 1 है तो x = कितना बन जाएगा cos θ, y / sin θ = 1 है तो y = कितना बन जाएगा भैया मेरे, y = आ जाएगा sin θ, x = cos θ अगर y = sin θ आ गया। क्या यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है तो आपने बोला जी सर, और x sin θ y cos θ, अब कुछ बच्चों का मन करेगा सर वो तो डायरेक्ट यहां से ही आ सकता था, कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि सर वो तो डायरेक्ट यहीं से लेते हैं आप x sin θ बराबर y cos θ और y को इधर ले आओ तो x की जगह cos θ आ जाएगा y की जगह sin θ, इस केस में तो बिल्कुल फिट हो जाएगी बात, लेकिन यहां और कुछ है नहीं। अभी मैं आपको समझाता हूं एक और क्वेश्चन करूंगा, अब मुझे पता है कि x स्क्वायर करना है तो cos स्क्वायर θ और ये sin स्क्वायर करना है तो प्लस में sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना बन जाएगा बोलो। अगर मैं आपको ये बोल दूं इसी क्वेश्चन की जगह पर x sin क्यूब थीटा माइनस में y cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 8 sin थीटा cos थीटा, और यहां से मैं बोल देता हूं x sin थीटा माइनस y cos थीटा is equal to 0 है। अब आपको चाहिए है x square plus का y square। तो जब आप इसका solution निकालेंगे, अभी फिर इसका direct दो second वाला answer भी दूंगा। आपको पता है इसे भाग दे दो देखो। और यहाँ पर क्यों यही चीज देता है सुनना मेरी बात को। इसको अगर मैं भाग दे देता हूँ, तो x divided by 8 sin से sin कट जाएगा तो cos theta बन गया और into में बनेगा भैया मेरे sin square theta। ये plus आएगा भैया। ये plus आएगा। Plus y 8 यहां sin थीटा बन जाएगा cos से cos कट जाएगा और इनटू में cos स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू इधर वाली सारी चीज जाएगी तो सिर्फ इसको छोड़कर बाकी सारी चीज को एक बनाना है, अब इसको छोड़कर बाकी सारी चीज को एक बनाना है। तो अब यहां से मैंने देखा सर x 8 cos थीटा, मैं एक बार पूरा लिख के बता देता हूं, बाकी इसका एक रीजन भी बताना है। x 8 cos थीटा इज इक्वल टू 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, आप बोलेंगे सर बनेगा, तो x = कितना बनेगा, x = 8 cos थीटा बनेगा।
x इज इक्वल टू 8 cos थीटा बनेगा, और अगर y इज इक्वल टू 8 sin थीटा, 8 sin थीटा इज इक्वल टू अगर 1 है तो y बराबर आ जाएगा 8 sin थीटा, y बराबर 8 sin थीटा। तो अब आपको पता है 8 स्क्वायर तो मतलब 64 cos स्क्वायर थीटा और प्लस में 64 sin स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा 64। तो मुझे ये कहानी समझ आ रही है कि आपको ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जब भी ये क्वेश्चन आए ना आप बोलोगे सर अब यहां से ही वो चीज क्यों नहीं आ रही। अरे भाई मेरे, मैं इसको लिख देता हूं x sin थीटा माइनस का y cos थीटा, यही दे रखा है ना आपको, बोला हां सर। अरे इसको अगर मैं इधर करता हूं x sin थीटा इज इक्वल टू y cos थीटा, इसको इधर ले आओ x / y इज इक्वल टू cos थीटा / sin थीटा। अगर यहाँ ऊपर भी मैं 8 लिख दूं और नीचे भी मैं 8 लिख दूं तो आपस में कट के वो एक नहीं रहेगा, और कट ही गया तो लिखेगा कैसे वो बताओ। वहां पर इसलिए नहीं लिख रहा वो क्योंकि ऊपर नीचे चीज आपस में कट नहीं जाएगी, और ऊपर नीचे की चीज आपस में कट जाएगी तो कट के वो डायरेक्ट रेशियो, तो ऊपर नीचे का मतलब क्या होता है रेशियो, रेशियो मतलब आपस में कट बिटकर सबसे छोटी वैल्यू। तो हमेशा ध्यान रखना इसके धोखे में मत रहना भैया। तो आपको कैसे आंसर देना है, आपको आंसर देना जो ये संख्या आ गई इसका स्क्वायर, जो ये संख्या आ गई इसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, जो यहां संख्या कितनी है 1, यहां संख्या कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, एक का स्क्वायर कितना आ गया 1, डायरेक्ट आपको जवाब देना है इस बात का। बोलो भैया जब भी ये साइन और कोस वाला इकट्ठा क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा ध्यान रखना एक का स्क्वायर 1 बनेगा, 8 का स्क्वायर 8 64 बनेगा। समझ आ गई जी कहानी आपको, आप बोलेंगे जी सर हमें बिल्कुल समझ में आ गई, कतई दिक्कत नहीं है। अभी मैं आपको और क्वेश्चन कराता हूं, जी तो बाद में कराता हूं, ऐसा ही क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन और लेता हूं। x sin थीटा प्लस y cos थीटा इज इक्वल टू 2 है, और आपको एक चीज और दे रखी है क्या, x sin थीटा माइनस y cos थीटा इज इक्वल टू 0 है। हाँ ऐसे क्वेश्चन में ये मिलेगा, 100% मिलेगा। तो अब आपको बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 1, x square plus y square is equal to कितना है 4, 1 upon x square plus 1 upon y square is equal to कितना है 4, और 1 upon x square plus 1 upon y square is equal to कितना है 1, is equal to कितना है 1, x square plus y square equal to 1 है। अब इनमें से आपको बताना है क्या होगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, कल भी मैंने इस बात को बताया था, आज भी बता रहा हूं, आने वाले कल भी बताता रहूंगा इस बात को। एक घंटा हो गया, थकान होगी तो 2 मिनट का रेस्ट, क्या आगे बढ़े बता दीजिएगा, 10 आपका मन करे। मैं अगर आपको ये बोला कि अगर दो के बराबर कोई चीज आती है पता क्या होता है, आपको पहले इस वाली इक्वेशन से ये बात समझ में आने लग रही है कि x sin थीटा बराबर हो जाएगा y cos थीटा के, ये बात इस वाली इक्वेशन से समझ आ गई, आप बोलेंगे जी सर। अब आपको पता है एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है एक पार्ट ये है, एक और एक, एक और एक, जब दोनों बराबर रखने हैं, दोनों बराबर रखने हैं, दोनों का जोड़ दो के बराबर आना चाहिए, जैसे दोनों का जोड़ 3 होता तो 1.5, दोनों का जोड़ 4 होता 2 और 2, तो इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि x sin थीटा किसके बराबर है 1 के बराबर, और y cos थीटा भी किसके बराबर है 1 के बराबर, तो ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो 1 + 1 ही तो 2 होगा। अरे बोलो भैया हां या ना, आप बोलेंगे सर हां, 1 + 1 ही तो 2 होगा, आप बोलेंगे सर हां। अगर ये 1 के बराबर हो गया तो मुझे बताओ अगर x sin थीटा = 1 है तो भाई मेरे 1 / x किसके बराबर हो जाएगा sin थीटा के, और y cos थीटा = 1 है तो 1 / y = किसके बराबर हो जाएगा cos थीटा के। तो आपको इस बात का पता है कि साइन और कोस के केस में जैसे यहां स्क्वायर नजर आ रहा है, तो साइन स्क्वायर करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर करूंगा तो ये 1 / x स्क्वायर, कोस स्क्वायर कर दूंगा तो ये 1 / y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 आ जाएगा, तो आंसर मेरा आ जाएगा 1। समझ आई क्या बात, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। बोलो एक, अब इस तरह के और कौन से क्वेश्चन पूछता है वो साइन कोस के अंदर, एक चीज और पूछता है, ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन था साइन कोस के अंदर ही, अब साइन कोस के अंदर ही तीसरी बात क्या पूछता है, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है इज इक्वल टू 5, तो मेरे को बताओ भाई मेरे साइन थीटा क्या आएगा। पहला तरीका, इसके 3-4 मेथड आपको सिखाऊंगा क्योंकि सारे के सारे मेथड ही काम के, साइन थीटा पूछे, कोस पूछे, कुछ भी पूछ ले, टेन पूछे, कुछ भी पूछ सकता है यहां से, इसको बंद कर दो, साइन कोस को देखते इसको बंद कर दो भैया, 3/5 इनटू में साइन थीटा प्लस 4/5 इनटू में कोस थीटा इज इक्वल टू कितना है 1 है, तो आपको पता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा बनेगा और ये कोस स्क्वायर थीटा, तो आपको पता है ये साइन थीटा रहेगा,
आपको पता है ये भी साइन थीटा रहेगा, लेकिन तभी तो साइन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर और कोस्क्वायर होते ही तो एक होगा, तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया, 3/5 के पहला केस। वैसे भी आपको पता है कि लाल तक्का, अच्छा गलती 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 आ गई, बिल्कुल बिल्कुल ये कोस थीटा लाल तक्का, तो आपको पता है कि ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा, तो डायरेक्ट साइन के साथ जो लिखा रहता है वो परपेंडिकुलर है, कोस के साथ लिखा रहता है वो बेस है, और इधर जो लिखा रहता है वो हाइपोटेन्यूज है, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको पता था लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 5 है, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 3/5, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 3/5। बोलो रे भैया मेरे, अगर आपको बिल्कुल परफेक्टली रूप से क्वेश्चन समझ आ गया, जैसे अगर मैं आपको क्वेश्चन बोल दूं 7 sin theta + 24 cos theta = 25, 7 sin theta और ये है, तो आपको बताना है 10 theta का मान। अरे जब भी आप sin cos देखते हैं तो गेम कुछ है ही नहीं, जब भी आप साइन कोस देखते हैं तो गेम कुछ है ही नहीं, गेम क्या है, गेम है साइन के साथ लिखा है लंब, कोस के साथ लिखा है आधार, और इस ये इधर है कर्ण, तो भैया मेरे 10 theta 7/24, और बोलो रे भैया मेरे अगर ये बात आपको परफेक्टली रूप से समझ आ गई, आप बोलेंगे सर बात बड़ा ही गजब तरीके से समझ आ गई। जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं a² - b² × sin θ + 2ab cos θ = a² + b², बताओ जी सॉल्यूशन, बताओ इसका, इसका सॉल्यूशन बताओ, अच्छा सॉल्यूशन तो क्या बताओगे, पहले तो मैं ये तो बताऊं कि पूछा क्या, tan थीटा बताओ, अब tan थीटा पता तो साइन के साथ लंब है, a² - b² / आधार है 2ab, और आपको दो दिन पहले ये बात आपको मैंने सिखाई भी थी, क्या ये a² - b² ये 2ab, तो ये होता है a² दोनों चीजों का स्क्वायर का सम। बात क्लियर हो गई, उम्मीद है आपको बात क्लियर हो गई। ये 2016 के मेंस का क्वेश्चन है, 2016 SSC मेंस। तो अब भाई मेरे इससे बाहर ना गारंटी टू गारंटी साइन और कोस के बेस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, मैंने 22-23 क्वेश्चन मैंने कराए हैं, इन 23 के बाहर आप पूरा चाहे CGL SSC प्री CGL मेंस CDS कोई क्वेश्चन उठा लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल दावे से है ये बात। तो उम्मीद है कि आप सबको ही कंप्लीटली रूप से ये बात समझ में आ गई है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं और देखते हैं कितने लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। sin θ + cos θ = √2 sin θ - cos θ, आपको इसका आंसर निकालना है, क्या होगा निकालो भैया मेरे, सारे के सारे बच्चे इसका जवाब दो। मैं हेलो 8:30 बताओ जी क्या आंसर आएगा, एक मिनट का टाइम आपको देता हूं, मैं मेरी ही लैपटॉप पर ऑन कर लेता हूं, ठीक है टाइमर आप बताइएगा। आपको पता है प्लस वाली चीज की बजाय माइनस वाली चीज आपको चाहिए है, याद है क्या, आप बोलेंगे सर बिल्कुल याद है, कोई दुराई नहीं है इस चीज में, तो हमें बिल्कुल याद है क्या कि साइन के आगे एक है तो एक का स्क्वायर प्लस कोस के आगे एक है तो फिर ये एक का स्क्वायर इज इक्वल टू याद आएगा 2 sin²θ और प्लस का x²। तो आपको पता है कि यहां से कितना बन जाएगा 2 - 2 sin²θ = x²। तो आपको पता है x = ±√2 sin θ। बोलो जी बात अगर आपको ये वाली चीज क्लियर है तो, अच्छा आपको इस बात का पता है, एक और मैं अगर डायरेक्टली बेसिस पर बताऊं आपको, अगर मैं आपको डायरेक्ट बोल देता हूं sin θ + cos θ = x, तो आपको बताना है sin θ - cos θ क्या, तो जैसे एक sin θ के आगे एक था तो एक का स्क्वायर प्लस cos θ के आगे भी एक था तो एक का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस ये कुछ भी मैं मान लेता हूँ m है तो ये m², तो आपको पता है कि 2 - m² का अंडर रूट और m का मान आ जाएगा प्लस माइनस 2 - m² का अंडर रूट।
तो इसके बिहाफ पर एक और क्वेश्चन आया, जैसे अगर मैं आपको ये बोल दूं साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 17y13 और आपको बताना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा क्या होगा। तो आपको पता है कि 2 माइनस 17 का स्क्वायर 289 डिवाइडेड बाई 13 का स्क्वायर 169 आपको यही याद होना चाहिए पेपर के अंदर, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ बच्चे को थोड़ी बहुत नॉलेज भी लेनी है एग्जाम के साथ साथ। वो क्या करेगा, आपको पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस और नीचे वाला हाइपोटेन्यूज, नीचे वाला हाइपोटेन्यूज पी प्लस बी है। तो आपको पता है कि पी प्लस बी है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मुझे इस बात का पता है कि ये जो 13 बना है ना 13, अब इधर पी और बी का जोड़ है और इधर पी में से बी माइनस करना है, पी माइनस बी बाई एच निकालना है, तो नीचे तो 13 आना ही आना है और पी माइनस बी अगर निकालना है तो आपको पता है कि ये 12 बनेगा ये 5 बनेगा। आप बोलेंगे सर आपने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दो, अरे एक प्लस वाला आंसर है माइनस वाला आंसर है, दोनों ही आंसर है। आप ऊपर लिख लो इसको 5, लिख लो इसको 12, तो माइनस भी आ सकता है प्लस भी आ सकता है, तो प्लस माइनस 7 यहां इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि हमको कुछ हिंट गिवन नहीं है कि परपेंडिकुलर बड़ा है या बेस बड़ा है। जब हिंट गिवन हो तो ठीक है, और अगर आपको हिंट गिवन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा भाई मेरे, आपने दोनों ही केस मान के चलने हैं तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर। क्या बात क्लियर होगी बोलो। तो साइन कोस के ऊपर जितने क्वेश्चन बन सकते थे ना इस 1 घंटा और 20 मिनट की क्लास में अपने कंप्लीट कर दिया साइन कोस का केस, इसके अलावा साइन कोस पर आपके कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते। साइन कोस की कहानी अलग है, फिर जो ये वाले क्वेश्चन बनते थे वो मैंने आपको सिखा दिए हैं कैसे बनते हैं। बोलो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको और क्वेश्चन तो कराएंगे कुछ ना कुछ। ऐसे भी आ सकता है कोस की पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई कोस की पावर 2 बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा। तो आपको चाहिए है कोस की पावर 4 बीटा डिवाइडेड बाई कोस स्क्वायर बीटा आइडेंटिटी वो वाली जो आइडेंटिटी है आइडेंटिटी बनाओ, और जैसे ही मैं आइडेंटिटी बनाता हूं आइडेंटिटी बनाने के लिए मुझे यहां स्क्वायर चाहिए, तो ये स्क्वायर तभी हो सकता है जब मैं अल्फा इक्वल टू बीटा कर देता हूं, और अल्फा अगर बीटा के बराबर कर देता हूं, जैसे अगर मैं अल्फा इसको रख लेता हूं, इसको अल्फा रख लूंगा तो ऊपर जाकर 2 कट जाएगा तो कोस स्क्वायर अल्फा हो गया, और इसको भी अगर मैं अल्फा रख लूंगा तो ऊपर जाकर ये कट जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, और ये कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा तो अल्फा इक्वल टू बीटा रखने से आइडेंटिटी सॉल्व होगी या नहीं होगी, आपने बोला सर बिल्कुल सॉल्व होगी। और भैया मेरे अगर मैं अल्फा को बीटा रखूंगा बीटा को अल्फा रख लूं, इसको अल्फा रख लूं, इसको अल्फा रख लूंगा तो ये भी फिर कोस स्क्वायर अल्फा हो गया, इसको अल्फा रख लूंगा तो ये भी साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, ओवरऑल मेरा रिजल्ट कितना बनना है 1 बनना है, ओवरऑल मेरा रिजल्ट कितना बनना है 1 बनना है, मुझे बताओ। अगर हां या ना में जवाब दो, अगर किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो साइन अल्फा मतलब साइन थीटा कोस थीटा का कंप्लीट जड़ से इलाज अपन ने आज कर दिया, और ट्रिग्नोमेट्री सीखने का यही सबसे बेस्ट तरीका है, जड़ से इलाज कर दो किसी भी चीज का। समझ आ गई बात, और उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ आ गई है बात, ठीक है, समझ तो आनी चाहिए भैया बात। आज भी 1 घंटा क्लास है, अभी 8:30 से 9:30 स्पेशल क्लास है, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाने लगा, कल संडे को सुपर स्पेशल क्लास होती है, सुपर स्पेशल क्लास के अंदर हम संडे का टॉपिक अलग रखते हैं, है ना। तो संडे को सुपर स्पेशल क्लास है सर, सुपर स्पेशल क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग आज 8:30 बजे वाली क्लास के अंत में बता दूं आपको टाइमिंग क्या रहेगा उसका, तो बताओ क्या समझ आ गया भाई सारे बच्चों को, एक बार ईमानदारी से यस नो लिख दीजिए, और उम्मीद है कि आप सारे ही बच्चों को बहुत बढ़िया लगी होगी ये क्लास, ये एक टेक्निक को अपन ने पूरा कर लिया। तो चलो अब आज का अभी 5 मिनट है तो मैं 1-2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्वेश्चन एक और करा देते हैं भैया, अगर 5 मिनट आपके पास है अभी तो अपन 1 क्वेश्चन और कर लेते हैं। जिस दिन वैल्यू पुटिंग काम करना उस दिन देखना, उस दिन तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री मजाक हो जाएगा कि अरे यार सच में ट्रिग्नोमेट्री मजाक होती है, बस हमको नहीं पता था इस बात का। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, एक ऐसे ही सीरीज का नहीं है, ऐसे रैंडमली मैंने कोई क्वेश्चन उठा लिया जिसमें साइन कोस है, 2 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और मैंने आपको बोल दिया साइन थीटा नॉट इक्वल टू कोस थीटा, तो आपको बताना है टेन थीटा का मान, आपको बताना है टेन थीटा का मान।
अगर आपको पता है कि अगर आप cos थीटा से इसको भाग देते हैं या ऐसा करो दोनों तरफ डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा, क्यों? क्योंकि 10 के केस में secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ही होता है, तो डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। और अगर मैंने बोथ साइड्स दोनों तरफ अगर अपन ने cos स्क्वायर थीटा को भाग दे लिया तो 2 बाय cos स्क्वायर थीटा तो आ जाएगा सर 2 secant स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 3 * में tan थीटा। और आपको पता है कि ये क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा, और इसकी जगह अगर 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखूंगा तो 2 है ही, और प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 is equal to 3 tan थीटा। तो आपको इस बात का पता है कि 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, तो जब 2 आ गया तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 आ गया। 2 tan थीटा बाहर, tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाहर, या माइनस 1 बाहर, tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे समझ में आ गया tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1 बनेगा और ये कितना बन जाएगा माइनस 1 बाहर है ना, ये 1 बाय 2 बन जाएगा। तो tan थीटा माइनस 1 प्लस 1 बाहर करेंगे, प्लस 1 नहीं यार, बात तो सही कही है, ये कितना बन जाएगा, ये 1 बाय 2 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस 1 बाहर कर दिया तो माइनस प्लस बिल्कुल सही है। तो 1 का वैल्यू 1 अगर 1 का वैल्यू 1 बाय 2 है, इनमें से कुछ भी हो सकता है। चलिएगा, ये क्वेश्चन जिसने कर लिया बढ़िया बात, नहीं क्या बढ़िया बात। तो अपन ने जो साइन थीटा कोस थीटा वाली जो सारी टाइप कवर की है वो ये वाली टाइप है। तो अभी 8:30 बजे भी आप क्लास ले सकते हैं, और ये वाली टाइप को बढ़िया तरीके से अपने फोन में नोट्स बनाओ और इस फोल्डर को सेव करो। तो चलिएगा, बाय बाय। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास कल नहीं है, मंडे को है। अरे यार पीडीएफ, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो पीडीएफ के लिए, कौन से टॉपिक की पीडीएफ आपको चाहिए मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता, फिर यहां पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए इसी प्रकार और दूसरे बच्चों को बताते रहिए, अगर आपको मेरे से पढ़ना अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, मेहनत बहुत करता हूं मैं। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर। हेलो, आवाज आ रही है तो बोलो, या नहीं आ रही है तो भी बता दो, आ रही है, कह रहे नहीं आ रही है। देखिएगा जी, बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अपना चला हुआ था, और कहां तक अपन पहुंच चुके थे 3 क्लास के अंदर, काफी सारी चीजें अपन ने पिछली क्लास में पढ़ी थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं उसकी आगे की कहानी को। उस दिन हमने जो पढ़ा था उसके आगे देखिएगा जी, स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को, तब तक धीरे धीरे बच्चे भी जुड़ जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं आज भी, क्वेश्चन नंबर 1 से। x इज इक्वल टू a secant थीटा इनटू cos phi, y इज इक्वल टू b secant थीटा इनटू sin phi, और z इज इक्वल टू c tan थीटा। और आपको बताना है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस में z स्क्वायर बाय c स्क्वायर, आपको बताना है ये वाला, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। तो आपको इस बात का पता है कि अगर मैं a को इधर लेके जाता हूं तो x बाय a आ जाएगा, आपने बोला जी सर, और x बाय a अगर इधर आ गया तो x बाय a का x स्क्वायर बाय a स्क्वायर कैसे बनेगा, यानी इन दोनों को अगर मैं देखता हूं
secant स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर फाई प्लस secant स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर फाई। ये पहली दो चीजें आ गई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और माइनस का z स्क्वायर / c स्क्वायर। तो z स्क्वायर / c स्क्वायर c को इधर कर दो माइनस का 10 स्क्वायर कर दो 10 स्क्वायर थीटा। आपको इस बात का पता है कि अगर मैं यहां से secant स्क्वायर थीटा बाहर निकाल लेता हूं secant स्क्वायर थीटा अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो अंदर बच जाएगा cos स्क्वायर फाई प्लस में sin स्क्वायर फाई और cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई तो कितना हो जाएगा secant स्क्वायर थीटा और माइनस का 10 स्क्वायर थीटा और secant स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा 1। तो इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक ही काम करना होता है कि जो रिक्वायरमेंट है ना उसके ऊपर ध्यान दो कि रिक्वायरमेंट बनेगी कैसे। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चन करने से थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का डर खत्म होगा कि हां जी किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको किस तरीके से डीलिंग करनी है। जैसे अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बेसिक बेसिक से 4-5 क्वेश्चंस में करूंगा पहले आधा एक घंटे लगभग 40 से 45 मिनट बेसिक चीज रहेगी जो आपका डर खोलने में कामयाब हो जाएंगे। आर साइन थीटा इनटू कोस फाई वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा इनटू में साइन फाई और जेड इज इक्वल टू आर कोस थीटा। तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आपको ये बताना है। तो यहां से आपने एक बात को देखा अगर x square, इसका square करेंगे और y square, पहले मैं इन दोनों के ऊपर mentally आप solve कर लो r sin theta ये रहा r sin theta ये रहा तो r sin theta बाहर हो जाएगा तो बाहर मेरा आ जाएगा r square sin square theta और cos square phi plus sin square phi कितना हो जाएगा ये common आ गया cos square phi plus sin square phi तो 1 हो जाएगा plus और z का मतलब हो गया r square cos square theta। तो r square अगर मैं बाहर निकाल देता हूं तो sin square theta plus cos square theta और sin square theta plus cos square theta equal to 1 आ जाएगा। तो यानी overall जो मेरा answer आया वो कितना आया है r square overall जो answer मेरा आया है r square। आइएगा जी क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर तीसरा नंबर क्वेश्चन कि a cos क्यूब थीटा y इज इक्वल टू b sin क्यूब थीटा। तो यहां पर आ जाएगा आपको चाहिए है x by a की पावर 2 by 3 प्लस y by b की पावर 2 by 3 x by a की पावर 2 by 3 और y by b की पावर 2 by 3 ये आपको निकालना है। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालूं x by a अगर यहां a कर दूंगा तो cos क्यूब आएगा कि नहीं आएगा आपने बोला जी सर cos क्यूब का कितना कर दिया है 2 by 3 प्लस y by b का मतलब कितना आ जाएगा sin क्यूब और sin क्यूब भी कितना आ जाएगा 2 by 3 3 से 3 कैंसिल तो ये तो cos स्क्वायर 3 से 3 कैंसिल तो ये भैया sin स्क्वायर और cos स्क्वायर sin स्क्वायर ओवरऑल मेरा आंसर कितना आता है 1। तो आंसर मेरा आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। आपको पता है cos थीटा बिल्कुल बेसिक बेसिक से क्वेश्चन जिससे आपका डर खत्म हो जाए। मैंने यही बोला था कि पहले ट्रिग्नोमेट्री बेसिक चीजों को कवर करेंगे cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो sin थीटा प्लस में ये sin स्क्वायर थीटा प्लस में sin की पावर 4 थीटा कितना होगा ये आपसे पूछा गया है ये आपको बताना है। तो आपको इस बात का पता होगा कि ये क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा के। sin square theta equal to cos theta है sin square cos theta के बराबर power 2 sin में power 2 cos की power 1 मतलब sin को अगर cos में convert करना तो power आधी कर दो तो power आधी कर दो तो इसकी जगह तो मैं लिख सकता हूं cos theta और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं cos square theta। भाई sin को अगर cos में convert करना तो power half sin को cos में convert करना power half cos theta और cos square theta तो overall जो मेरा आएगा कितना आ जाएगा overall मेरा आएगा 1। क्या यहां तक की बात आपको क्लियर है क्या? आपने बोला जी सर यहां तक की बात हमको क्लियर है। सेम छोटी छोटी बातें एक ही क्वेश्चन बहुत बार आया है क्या 1 जैसे मैं बोल देता हूं 1 plus sin a 1 plus sin b और 1 plus sin c is equal to 1 minus sin a 1 minus sin b और 1 minus sin c। अब आपको बराबर है तो उसके नीचे लिखेगा find its value का मान ज्ञात करें find its value और ऑप्शन दे देगा ऑप्शन दे देगा जैसे ये बोल देगा प्लस माइनस sin a sin b sin c प्लस माइनस cos a cos b और cos c और एक दे देगा none और या कोई भी ऐसे ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो आपको निकालना है इसका सॉल्यूशन। तो आपको इस बात का पता है एक के अंदर कुछ जोड़ूं और एक में से कुछ घटाऊं तो कोई प्रभाव ही ना पड़े ऐसी कौन सी चीज है जिसके अंदर जोड़ने से प्रभाव पड़ता है ना माइनस करने से कोई प्रभाव पड़ता है। तो आप बोलेंगे सर ऐसी तो एक ही चीज है अगर एक और एक है ये कह रहा है कि एक के साथ यहां तो मैं प्लस कर दूं एक के साथ यहां माइनस कर दूं तो कोई प्रभाव ना पड़ेगा इक्वल टू इक्वल टू रहे। तो आप बोलेंगे सर ऐसा तो एक ही काम हो सकता है एक के साथ जीरो जोड़ दो एक के साथ जीरो घटा दो। आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल परफेक्ट बात बोली आपने। तो इसका मतलब ये हुआ कि sin a का मान जीरो आ गया sin a का मान जीरो आ गया तो a इक्वल टू जीरो आ गया। तो कहने का मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c किसके बराबर आ गया 0 डिग्री के बराबर आ गया। मैंने 0 रख दिया और a इक्वल टू b इक्वल टू 0 रखने से a इक्वल टू b इक्वल टू 0 रखने से a इक्वल टू b इक्वल टू 0 रखने से क्या हो गया है 1 इक्वल टू 1 आ गया मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 1 के बराबर राइट हैंड साइड भी 1 के बराबर। तो आप देख लो abc को 0 रखने से कौन सी चीज 1 के बराबर आ रही है तो 0 रखेंगे तो ये तो केस 0 हो गया और 0 रखने से ये केस क्या हो गया है ये वाला। तो आंसर जो मेरा आएगा वो आ जाएगा cos a
प्लस कोस बी प्लस कोस सी। डायरेक्ट आप अगर चाहें तो ऐसा निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छा, किसी को ऐसा लगता है कि सर इसका सब्जेक्टिव भी बता दो, तो इसमें लिख देना वाई। अगर आपको लगता है कि नहीं सर बात परफेक्ट हो गई है, तो अपन बात आगे बढ़ाएं। चलो, मुझे लगता है कि आपको बात परफेक्ट हो गई है, तो अपन बात आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्टिव की तरफ मैं आप लोगों का रुझान है, तो मैं भी चाहता हूं कि सब्जेक्टिव बने कोई चीजें। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। अगर 6 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार इसके ऊपर भी कह सकता है 1 प्लस कोस ए, 1 प्लस कोस बी, 1 प्लस कोस सी इज इक्वल टू 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस बी, 1 माइनस कोस सी। और फिर इसका बोलेगा कि फाइंड इट्स वैल्यू, फाइंड इट्स वैल्यू, ये बोला जाएगा। और फिर वही बोला जाएगा प्लस माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, प्लस माइनस कोस ए कोस बी और कोस सी, और एक बोला जाएगा इनमें से नन, और एक कोई भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो जब भी सेम चीज प्लस के अंदर और सेम चीज माइनस के अंदर, एक में प्लस करूं तो भी वही बात आ जाए, एक में माइनस करूं तो भी वही बात आ जाए, एक में प्लस करूं तो भी वही बात है, एक में माइनस करूं तो भी वही बात है, तो ये भी प्लस और ये भी, मतलब ये भी जीरो, ये भी जीरो। सिर्फ जीरो के अंदर वो क्वालिटी है जो प्लस होकर किसी का फायदा करता है, माइनस होकर किसी का नुकसान करता है। तो जीरो ही तो लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट साइड ही तो है। आपने बोला जी सर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर मैं जीरो के बराबर रख देता हूं, तो जीरो के बराबर रखते ही आपको पता वन आ गया। अब ये जीरो कैसे आएगा, कोस जीरो तो वन होता है, तो ये जीरो आएगा कैसे, ये भाई मेरे 90 डिग्री रखना पड़ेगा, 90 डिग्री, क्योंकि ए को 90 रखेंगे तो ये तो जीरो बनेगा, बी को 90 रखेंगे तो ये तो जीरो बनेगा, और सी को 90 रखेंगे तो ये तो जीरो बनेगा, और इसको 90 रखेंगे, 90 रखेंगे तो 90 रखने से कौन से ऑप्शन का मान 1 आ रहा है, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में सिर्फ एक बच गया, राइट हैंड साइड में एक बच गया। तो आप ये चेक करो 90 के रखने से कौन से ऑप्शन का मान 1 आ रहा है, तो 90 के रखने से इस ऑप्शन का मान 1 आ रहा है, साइन ए साइन बी साइन सी। तो आंसर मेरा आ जाएगा ये वाला, साइन ए साइन बी और साइन सी। बोलो भैया, अगर मैं आपको लास्ट में बोलता हूं इस बात को, क्वेश्चन नंबर 7, अगर मैं सेकंड पर बोल देता हूं, जैसे मैंने बोला सर सेकंड ए प्लस 10 ए, सेकेंड बी प्लस 10 बी, सेकेंड सी प्लस 10 सी इज इक्वल टू सेकेंड ए माइनस 10 ए, सेकेंड बी माइनस 10 बी, सेकेंड सी माइनस का 10 सी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो इसका अगर मेरे को सॉल्यूशन निकालना है, तो देखो इस केस में तो अपन प्लस वन माइनस वन करके, मतलब प्लस जीरो माइनस जीरो करके काम चला गए। अब आपको पता है ये वाला केस में से काम नहीं चलेगा ना, कोसेक वाले केस में से काम चलेगा। तो आपको इस तरह के केसेस में या तो डायरेक्ट याद रखो प्लस माइनस वन। अब किसी को ऐसा लगता है कि सर ऐसा आंसर क्यों आया, अगर किसी को ऐसा लगता है तो देखो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ ना जैसे ये गिवन कर रखा है सेकंड ए प्लस 10 ए, मैं इसका प्रूफ करा देता हूं कैसे, क्योंकि एक क्वेश्चन का सब्जेक्टिव देख लेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड बी प्लस 10 बी और सेकंड